हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विस कर्नर। तो आज आम पुणी नुआ चैप्टर गोटे स्टार्ट करुचे, नुआ टॉपिक विथ नुआ चैप्टर, कौन ना ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी समस्ते छोट बड़ पढ़ु 6th क्लास रु समस्ते पढ़ी थो। तो ज्योग्राफी जितेबाला तुम पढ़ुच तुमको बहुत आनालीटिकाल हाँपी पड़ो। तो किसी स्टेप मु कह से स्टेप को सब फॉलो करिवो, ताकु नेकी तुम्हें फर्दर आमर जो यही 5 वीक प्रोग्राम रही 5 वीक आम कौन कौन कंप्लीट करवा ना वर्ल्ड ज्योग्राफी आउ इंडियन ज्योग्राफी इन द कंटेक्सट ऑफ प्रीलिम प्लस मेन। तो प्रीलिम स्पेसिफिक एथेरे मु जदि कहिबी तुम मानक मेन स्पेसिफिक जदि आम कंपेयर करूचे प्रीलिम आउ मेन सहित ज्योग्राफी ऑप्शनल जहार ना ताकु बेसी एथेरे मुंड खेड़बार ना, जस्ट खाली ताकु टिके टिके जस्ट जो जिनस ए नोट रे अछि सेतिकी पढ़िवार अछि। बट जो मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल दे हाव टू बी एनालिटिकल, बिकॉज ज्योग्राफी जानिचो जे प्रीलिम एग्जाम रे वर्ल्ड ज्योग्राफी इंडिया ज्योग्राफी मिसिकी आसे, आउ मेन एग्जाम रे खाली इंडियन ज्योग्राफी पढ़े विथ विथ स्पेशल रेफरेन्स टू ओडिशा। तो ये जो ओडिशा को लेकिन भी आम पर लेक्चर करवा, तो फास्ट आम वर्ल्ड ज्योग्राफी को आज स्टार्ट करुचे। तेणु आम फास्ट ये जो लेक्चर किसी हेबू आम वर्ल्ड ज्योग्राफी जो 3 वीक हाँ 3 वीक, तो 3 वीक जो क्लासेस हे वर्ल्ड ज्योग्राफी एथेरे आमर मेन पे किसी क्वेश्चन रही कौन पाई ना मेन रे तुम आसवनी एथेरे। तो जो पिला मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल को सब्सक्रिप्शन करिचो बा ऑप्शनल नहींच से मैंने से ग्रुप रे तुम क्वेश्चन पाइपर, इवेन टेस्ट सीरीज जो अच्छी ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज ताकू भी सब्सक्राइब करपर मैंने ऑप्शनल। तो ये जो ज्योग्राफी लेक्चर आम पर्टिकुलरली प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू रु कौन कौन देखा आउ मन रखियो, ये जो लेक्चर मु तुम मानक ये तुम मानक जो जी भी जो जिन इनफर्मेसन बुझेप ट्राए करी से सफिसीयंट नुह ज्योग्राफी दैट इज नॉट सफिसीयंट फास्ट टू कहीदे मुझे कौन पर ना ज्योग्राफी इज ए वास्ट टॉपिक, किंतु मु जो गुड़ा तुम मानक कहबी दैट पार्ट इज वेरी वेरी एसेंशियल, ताकू जदि तुम छाड़ दौ तो ज्योग्राफी तुम पढ़ुन। तेणु ज्योग्राफी रे जो पार्ट मु कवर करी से बहुत मानने मैंडेटोरी मानने जन को जानवा दरकार गोटे सिविल सर्विस आस्पिरेंट को, तापर तुम फर्दर जापर। तो मुझे वेबसाइट भी कहि जो आम वेबसाइट अच्छी पोर मैन फ्रेंड्स IAS PMFIAS जदि सर्च कर ज्योग्राफी मटेरियल से ऑनलाइन अवेलेबल अच्छे, तो ऑनलाइन रे तुम परचेज तो करिया दरकार नहीं किंतु फ्रीली फ्रीली अवेलेबल अच्छे से मटेरियल को भी तुम फॉलो कर पार और से बहुत एक्सीलेंट मटेरियल अच्छे मैंने पूरा डिटेल ज्योग्राफिक रो इनफॉरमेशन से अच्छे। तो पर्टिकुलरली प्रीलिम मेन पे से जो देखियो प्रीलिम पे स्पेसिफिक से सफिसीयंट मैंने ये जो मुझे तुम मानक जो जिन पढ़ेबी से सफिसीयंट प्लस ताकू जदि बेसी पढ़ाप चाहू या तुम जदि बहुत कम लगुच तुमको ताहले तुम तार ये जो यार एक्सटेनसीव कवरेज PMFIAS रे तुम पाइपर। तो PMFIAS वेबसाइट को आज सर्च कर जैक देख कौन कौन सब अच्छी। तो ये लेक्चर में बेसिकली आम बेसिक जिनस सब डिस्कस करवा, तो ये बेसिक जिनस भी तुमको जानवा दरकार। मे बी फास्ट ये जो लेक्चर मुझे आज जो तुम मानक बुझेबी मे बी समस्त जाणी थो बट कि टर्म भी तुम मे भी जान न तो ये आम ट्राए करवा बुझापी कौन पर फास्ट क्लास जेहतु यहाँ से बहुत बेसिक जिनस अच्छे सेकेंड क्लास रु तुमको ठीक ठाक लगे क्लासेस ओके। तो तथापि आम स्टार्ट करवा ज्योग्राफी चैप्टर 1। तो आम स्केड्यूल को जदि जो मैंने देखिन एवं देखा स्केड्यूल को, सो दिस इज द स्केड्यूल ऑफ फास्ट वीक। फास्ट वीक आम 4 टॉपिक बेसिकली कवर करवा, 4 टॉपिक आम कौन कौन ना ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, तापर इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड एसोसिएटेड फैक्टर, रॉक जियोमॉर्फोलॉजी। तो ये जो 4 टॉपिक आम कवर करवा गोटे वीक रे, तो ये मन रख ये स्केड्यूल मु कौन पे देखूँ ना तुम जो मैंने नुआ अच ठीक से जान नाटा हेल्पफुल हे जो जिनस मुझे कहूँ। तो पर्टिकुलरली मन रख सब चैप्टर आम गोटे गोटे दिन कवर करे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे सैटरडे थर्सडे, तो 4 दिन जो कवर करो तुम ऑप्शनल तुम 2 दिन तुमको दिहे पुणी रिविजन भी से एग्जाम करपर संडे तुम पर्टिकुलर एग्जाम हो। तो ये मन रख तुम ज्योग्राफी 50 क्वेश्चन आसो, तापर पॉलिटी आउ इकोनॉमी जेहेतु आम कवर हो सारी एथेर टोटाल पॉलिटी इकोनॉमी आउ करंट अफेयर 20 20 20 नुह 15 15 30 20 एमती क्वेश्चन आसो ओके। तो ये जो आम स्टैटिक पार्ट आम देखिले, तो ये करंट अफेयर पार्ट जो मैंने नुआ अच्छे देख करंट अफेयर आम डेली डिस्कसन होन साइड डेली करंट अफेयर समस्त जानी थी।
ତାପରେ ହିନ୍ଦୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମର ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ, ଆଉ ଡେଲି କୁଇଜ୍ ଆମର ଅଛି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ପାର୍ଟର ମିନିମମ୍ 3-4ଟା ଟପିକ୍କୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଡେଲି 10:30ରେ ତୁମେ ମଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ଦରକାର ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ। ତ ସେଥିରେ ଆମର କ'ଣ କଭର୍ ହେଉଛି ନା, ଆମର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ କଭର୍ ହେଉଛି, ପ୍ଲସ୍ ହିନ୍ଦୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ତା'ର ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଛି, ଇଭେନ୍ ତୁମେ ଯେଉଁ ଡେଲି ଯେଉଁ ସକାଳେ ଆମର ଯେଉଁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଲୋକେଟ୍ କରାଯାଇଛି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ତୁମେ କଭର୍ କରିବ, ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭଲି କଭର୍ କରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଡେଲି କୁଇଜ୍ ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଆମର ସପୋଜ୍ ଆଜି ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା, କାଲି ଇକୋନୋମି, ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ 3ଟା ହେଲା, କାଲି ଆଉ 3ଟା ହେବ, ଏମିତିକି ଆଜି 3ଟା କାଲି 3ଟା, ଏମିତିକି ଟୋଟାଲ୍ 15 ମିନିମମ୍ 15 ଷ୍ଟାଟିକ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଇନସାଇଟ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପାଖାପାଖି 10-15 କୋଶ୍ଚିନ୍। ତ ଏଇଥିରେ ଆମର କେତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, 15-25-30 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଡେଲି ଏଇଥିରେ ସଲ୍ଭ କରୁଛେ ଗୋଟେ, ମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ। ପୁଣି ଆମେ ମେନ୍ ପାଇଁ ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ କରୁଛେ, ମାନେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ସପୋଜ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ପଲିଟିକୁ ନେଇକି ଯଦି ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭଲି କଭର୍ ହେଇଛି ଇନସାଇଟ୍ ଆଏସ୍ରେ, ଆମେ ପଲିଟିକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ମେନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖୁଛେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ, 10:30ରୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଡିସ୍କସନ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ମାନେ ଆୱାର୍ ଅଫ୍ ୟର୍ ପ୍ରିପେୟାର, ମାନେ ସବୁ ଦିନର ବେଷ୍ଟ ଆୱାର୍ କେତେ, 10:30ରୁ 11:30। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଏଇ ଗୋଟେ ଆୱାର୍ ଭିତରେ ତୁମର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତ ତେଣୁ ସେଇଥିରେ ସମସ୍ତେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପର୍ଟିକୁଲାର ଚାପ୍ଟରକୁ ଦେଖିବା। ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ, ଅରିଜିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆର୍ଥ। ତ ରେଫରେନ୍ସ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ତୁମେ ଫଲୋ କରିପାରିବ, 11th କ୍ଲାସ୍ NCERT, 6th କ୍ଲାସ୍ NCERT, ଦ ଆର୍ଥ ଆୱାର ହାବିଟାଟ, ତାପରେ 11th ର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଅଫ୍ ଫିଜିକାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫି ବୁକ୍ କିଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ NCERT ସାଇଟ୍କୁ ଯିବ, ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଚାପ୍ଟର ବି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବ। ଓକେ, ସୋ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପର୍ଟିକୁଲାର ଟପିକ୍। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଜଷ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି। ତ ଅରିଜିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆର୍ଥ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ରେଡ଼ି, ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି? ଓକେ, ଦେଖ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଚାପ୍ଟର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ତେଣୁ ଅରିଜିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆର୍ଥ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଆମେ ଆର୍ଥ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅରିଜିନ୍ ହେଉଛି ଆର୍ଥକୁ ଆମେ, ତୁମେ ଇମାଲି ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କହୁଛି ଇମାଜିନ୍ କର, ଏବେ ଆମେ ଆର୍ଥରେ ଅଛେ, ଆର୍ଥ ଆର୍ଥକୁ ଏମିତି ଯେଉଁ ଆମର ଆର୍ଥ ଅଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ ଆର୍ଥକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ଆର୍ଥକୁ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଥରୁ ବାହାରକୁ ପଳାଉଛି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ନା, ଆମର ୟୁନିଭର୍ସ ଅଛି। ତ ୟୁନିଭର୍ସକୁ ଛାଡ଼ିକି ବି ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି ସେ ୟୁନିଭର୍ସ ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ସନ୍ ଅଛି, ମୁନ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତେଣୁ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା, ୟୁନିଭର୍ସ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଦେଖିବା। ତ ୟୁନିଭର୍ସ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଢ଼ୁଛେ ନା, ୟୁନିଭର୍ସ ସବୁଠୁ ବଡ଼, ୟୁନିଭର୍ସରେ ହିଁ ଆମେ ସବୁ ଅଛେ, ସନ୍ ଅଛି, ମୁନ୍ ଅଛି, ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ଅଛି, ସବୁ ଅଛି ୟୁନିଭର୍ସରେ। ତେଣୁ ୟୁନିଭର୍ସ ଇଜ୍ ସବୁଠୁ, ମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯଦି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ କହିବା ଆମେ ୟୁନିଭର୍ସ। ଓକେ, ତ ଅରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ୟୁନିଭର୍ସକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ ବା ଜାଣିବା ପାଇଁ କେମିତି ୟୁନିଭର୍ସ ତାହେଲେ କେମିତି ଅରିଜିନ୍ ହେଲା ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ୟୁନିଭର୍ସ ତାହେଲେ କେମିତି ଅରିଜିନ୍ ହେଲା ତୁମେ ନିଜେ ଭାବ, କେମିତି ସେ ୟୁନିଭର୍ସଟା କେମିତି ହେଇଥିବ, କେମିତି ଅରିଜିନ୍ ହେଇଥିବ, ତୁମେ ଜଷ୍ଟ ଇମାଜିନ୍ କର। ତୁମେ ଯେତେ ଇମାଜିନ୍ କରିବ ସେତେ ତୁମର ୟାକୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କରିପାରିବ। ଓକେ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ୟୁନିଭର୍ସକୁ ନେଇକି ବହୁତ ସାରା ଥିଓରି ହେଇଥିଲା, ବଟ୍ ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ଆସେପ୍ଟେଡ୍ ଥିଓରି କ'ଣ ଥିଲା ନା, ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଓରି। ତ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ତେଣୁ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଓରି ବା ଏକ୍ସପାଣ୍ଡିଂ ୟୁନିଭର୍ସ ହାଇପୋଥେସିସ୍, ତା'ର ଅଲଗା ନାଁ କ'ଣ, ଏକ୍ସପାଣ୍ଡିଂ ୟୁନିଭର୍ସ ହାଇପୋଥେସିସ୍। ତୁମେ NCERTରେ ବି ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇବ। ତ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଓରି କିଏ ଆମର ପୋଷ୍ଟୁଲେଟ୍ କରିଥିଲେ ନା, ଏଡ଼ୱିନ୍ ହବଲ୍। ତ ଏଇସବୁ ମନେ ରଖିବ, ଏଇ ଡାଟା ମନେ ରଖିବ ଯେ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଓରି କିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଓକେ, ତ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଅଲ୍ ଦ ମ୍ୟାଟର ୱାଜ୍ ଏ ଟିନି ବଲ୍ ଅଫ୍ ଅନ୍ଇମାଜିନେବଲି ସ୍ମଲ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍। ଅଲ୍ ଦ ମ୍ୟାଟର ୱାଜ୍ ଏ ଟିନି ବଲ୍ ଅଫ୍ ଅନ୍ଇମାଜିନେବଲି ସ୍ମଲ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ୱିଥ୍ ଇନ୍ଫାନାଇଟ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ଫାନାଇଟ୍ ଡେନ୍ସିଟି। ତ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଯେଉଁ ସବୁ ମ୍ୟାଟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟିନି ବଲ୍, ଆଉ ସେଇ ଆମେ ତାକୁ ଇମାଜିନ୍ ବି କରିପାରିବାନି, ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଲେଖୁଛି ୟାଠୁ ବି ବହୁତ ଛୋଟ, ଆହୁରି ଛୋଟ। ତେଣୁ ସବୁ ମ୍ୟାଟର ଅନ୍ଇମାଜିନେବଲି ସ୍ମଲ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ୱିଥ୍ ଇନ୍ଫାନାଇଟ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍, ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ଫାନାଇଟ୍, ମାନେ ତାକୁ ଆମେ 1 ଡିଗ୍ରୀ ନୁହଁ କି 2 ଡିଗ୍ରୀ ନୁହଁ କି 100 ଡିଗ୍ରୀ ନୁହଁ କି 1000 ଡିଗ୍ରୀ ନୁହଁ, ବହୁତ ଇନ୍ଫାନାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ଫାନାଇଟ୍ ଡେନ୍ସିଟି, ତା'ର ଡେନ୍ସିଟି ବି ବହୁତ। ତ ଏଇ ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଇମାଜିନ୍ କରୁଛେ, ତ ଏଟ୍ ଦ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦ ଟିନି ବଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଡେଡ୍ ଭାୟୋଲେଣ୍ଟଲି ୱିଥ୍ ହ୍ୟୁଜ୍ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ କ'ଣ ହେଲା ନା, ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ୍ ଯେଉଁ ହେଲା, ସେଥିରେ ଟିନି ବଲ୍ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଏକ୍ସପ୍ଲୋଡ଼ ହେଇଗଲା, ଏକ୍ସପ୍ଲୋଡ଼ ଭାୟୋଲେଣ୍ଟଲି ୱିଥ୍ ହ୍ୟୁଜ୍ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍। ଯେତେବେଳେ
एक्सपानसन होगा देख ये एक्सपानसन होटा जो एक्सपान हो चली आमर कौन है यूनिवर्स क्रिएसन हो तेणु ये जो विदिन 3 लाख्स इयर फ्रॉम द बिग बैंग टेम्परेचर ड्रॉप्ड टू 4500 केल्विन एंड गेव राइज टू आटोमिक मैटर तुम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रे पड़ी पारे 4500 सेल्सियस पड़ी पारे तेणु या माइंड रे रखिबो ओके 4500 केल्विन एंड गेव राइज टू आटोमिक मैटर तो आटोमिक मैटर को मैंने आटोमिक मैटर जो आम पढ़ुचे आटोमिक आम आटोम कौन कौन अच्छी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एगुड़ा सब अच्छी ना आटोमिक मैटर मैंने से जिन बुझुचे तो से जो मैटर गुड़ाक राइज कला कौन बिग बैंग थियोरी बिग बैंग एक्सप्लोजन जो है टेम्परेचर कमीगला से जिनस आसीगला आटोमिक मैटर द यूनिवर्स बिकेम ट्रांसपेरेंट एवं आमको यूनिवर्सटा दिशिला तो यूनिवर्स पिक्चर आम टे लेट देखा देख ए देखे दूसरी दिस इज द यूनिवर्स तुम यहाँ तो यूनिवर्स नुह बहुत बड़ या भी बहुत बड़ तो यहाँ कौन ना गोटे सन सहित जो आसोसीएट जो स्टार मैंने तो यूनिवर्स को इमाजिन कर जी तुम आउ टे सर्च कर यूनिवर्स जब गूगल सर्च कर देखिपर जो कमी देखा यूनिवर्स ओके इमाजिन कर आम देखिले ओरिजिन ओरिजिन मानते यूनिवर्स कमी ओरिजिन है ये देखिले तो ओरिजिन हेला परे यूनिवर्स तापर कौन है ना स्टार फॉर्मेशन है तेणु ये स्टार फॉर्मेशन है आम देखा ड्यू टू अन इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर जो मैटर ये आसला एक्जिस्टेंस को आसला तार डिस्ट्रीब्यूशन कौन है अन इवेन है मानने हार्मोनी है ना मानने यूनिफॉर्मली कौन थे डिस्ट्रीब्यूशन है ना एंड एनर्जी इन द इयरली यूनिवर्स लेड टू इनिशियल डेंसिटी डिफरेंस इन ग्राविटेशनल फोर्स एंड इट कॉज द मैटर टू गेट ड्रॉन टुगेदर बेसिस फॉर डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सीज तो ए गैलेक्सी स्टार्ट टू फॉर्म बाय अक्युमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन फॉर्म ऑफ ए वेरी लार्ज क्लाउड कॉल्ड नेबुला तो नेबुला इज लोकलाइज्ड क्लंप ऑफ गैस दैट लेड टू फॉर्मेशन ऑफ गैसियस बॉडी दैट आर फॉर्मेशन ऑफ स्टार तो स्टार केमती फॉर्मेशन है ना जिते बड़े जो मैटर जिते सब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है से कौन है ना जो इनिशियल डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट है तो जितेबाला डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट है से कौन है ना कौन थे डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट है जो ग्राविटेशनल फोर्स भितर आउ योगू कौन है इट कॉज द मैटर टू गेट ड्रॉन टुगेदर बेसिस फॉर डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सी तेणु तापर गैलेक्सी क्रिएट है तो गैलेक्सी पुणी आउ थे कौन है ना पुणी आउ थे हाइड्रोजन गैस को आकुमुलेट करी आम गैलेक्सी फॉर्मेशन है तो ये जो कौट फॉर्मेशन है ना वेरी लार्ज क्लाउड कॉल्ड नेबुला तो ये जो नेबुला जो तुम जब पचार मत सार जो आमर जो गैलेक्सी स्टार्ट गैलेक्सी केमी स्टार्ट ना नेबुला को बेस करी आम गैलेक्सी स्टार्ट तो कौन पे गैलेक्सी स्टार्ट ना अन इवेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन द अर्ली यूनिवर्स लेड टू इनिशियल डेंसिटी डिफरेंस इन ग्राविटेशनल फोर्सेस ओके तो यही सब जिनस को लेकिन तापर कौन है ना स्टार फॉर्मेशन है तो गैलेक्सी आगे फॉर्मेशन है जो फास्ट जो नेबुला मानक नहीं कि कौन है नेबुला नेबुला स्टार फॉर्मेशन है कौन दैट लेड टू फॉर्मेशन ऑफ गैसियस बॉडी देयर बाय फॉर्मेशन ऑफ स्टार तेणु गैलेक्सी धीरे धीरे कौन है गैलेक्सी जो फॉर्मेशन है धीरे धीरे कौन है स्टार मान फॉर्मेशन है ओके तो किसी आईडिया आसला ओरिजिन ऑफ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ रो गोटे पार्ट आम देखिले जे यूनिवर्स रो ओरिजिन केमती है आउ स्टार फॉर्मेशन केमती है तो नेक्स्ट आम देखा फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट केमती ताले है तो प्लैनेट केमती है ना स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लैनेट प्लैनेट मैंने एकाथर होनी तो तार स्टेजेस अच्छी तो कौ कौ स्टेज रे डेवलपमेंट है आम देखा द स्टार्स आर लोकलाइज्ड लम्स ऑफ गैस आम जो नेबुला को देखिले विदिन ए नेबुला नेबुला मैंने कौन नेबुलार नेबुला को लेकिन आम कौन अच्छे गैलेक्सी अच्छे से जो नेबुलारे जो नेबुलू डिराइव ना स्टार फॉर्मेशन है कौन कौपी ना ग्राविटेशनल फोर्स विदिन द लंप लेड टू फॉर्मेशन ऑफ ए कर टू द गैस क्लाउड एंड ह्यूज रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट डेवलप्ड अराउंड द गैस कर तापर गैस क्लाउड कौन है ना गैस क्लाउड रू कौन पुणी है से पुणी कंडेन्सेस है मैटर अराउंड द कर डेवलप्ड इनटू स्मॉल देन राउंड ऑब्जेक्ट बाय द प्रोसेस ऑफ द कोहेसन एंड प्लानेटेसिमल तो प्लानेटेसिमल लास्ट रे फॉर्मेशन है तो फास्ट कौन है ना गैस क्लाउड रू धीरे धीरे कौन है ना कंडेन्स है जो मैटर अराउंड द कोर डेवलप इनटू स्मॉल
तापर राउंड ऑब्जेक्ट बाय द प्रोसेस ऑफ कोहेसन, तापर कोहेसन रु हमर कोन हला ना प्लैनेट सिमल हला। तो प्लैनेट सिमल हला परे दिस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लैनेट सिमल एक्रीट टू फॉर्म ए फ्यूअर लार्ज बॉडी इन द फॉर्म ऑफ प्लैनेट। ओके, तो प्लैनेट केमती हला ना जेतेबेले प्लैनेट सिमल लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लैनेट सिमल एक्रीट टू फॉर्म ए फ्यूअर लार्ज बॉडी इन द फॉर्म ऑफ प्लैनेट। तो आम जस्ट यू जो बुझुचे आम बहुत सिंपल वे बुझुचे से बहुत सारा टेक्निकल जिनस अच्छी आम देखार ना ये प्लानेट एसिमाल आम आसा कौन प्लानेट क्रिएट है एति आम जाना। तो तापर आम देखा सोलार सिस्टम, सोलार सिस्टम रो जो पिक्चर मुझे देखाऊली ये देख सोलार सिस्टम दिस इज द सोलार सिस्टम। सोलार सिस्टम को जदि आम देखा फास्ट आम कौन देखे ना यूनिवर्स क्रिएट है, यूनिवर्स क्रिएट कौन है यूनिवर्स कौन है फॉर्मेशन ऑफ स्टार, तापर गैलेक्सी रु स्टार है, तापर स्टार रु कौन है प्लानेट, तापर प्लानेट रु एबे आमे देखिबा ए जो प्लानेट को बेस करके प्लानेट जिते फॉर्मेशन हो गला प्लानेट बहुत सारा फॉर्मेशन होइतिबो तो किछ से जो प्लानेट मानक नहीं कि जो कौन है ना गोटे सोलार सिस्टम फॉर्मेशन है। तेणु आमर जो सोलार सिस्टम कौन आम सन को लेकिन गोटे सोलार सिस्टम बुझुचे सेमती बहुत सारा सन अच्छा तेणु आमर सोलार सिस्टम से लिखाई देखो आवर सोलार सिस्टम कनसीस्ट ऑफ सन एट प्लानेट, सन गोटे स्टार तुम मन जाचो समस्ते सन गोटे स्टार तेणु आमर प्लान आमर जो सोलार सिस्टम अच्छी कौन ना फास्ट है सन तापर एट प्लानेट आठटा प्लानेट 63 मून 63 सैटेलाइट बा नेचुरल सैटेलाइट को आम कौन कौचे मून कौचे तापर मिलियन ऑफ स्मॉलर बॉडी लाइक एस्टेरॉयड एंड कमेट एंड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट ग्रेन एंड गैसेस। फास्ट कौन ना सोलार सिस्टम रे आम सन देखिले, सन परे प्लानेट देखिले, प्लानेट परे मून देखिले, मून परे मिलियन ऑफ स्मॉलर बॉडी लाइक एस्टेरॉयड एंड कमेट एंड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट ग्रेन्स एंड गैसेस। तो एथिरे आम जो देखिले मर्क्यूरी वेनस अर्थ एंड मार्स आर कॉल्ड द इनर प्लानेट। देखो एथिरे मर्क्यूरी वेनस अर्थ मार्स एमाने कौन ना इनर प्लानेट। देखो या परे स्टार्ट हो जाइए आस्टेरॉयड, तो आस्टेरॉयड को आम जो पढ़ा या डिफाइन करवा। ओके तापर कौन कौन तापर देखो दे आज दे लाइ बिटवीन द सन एंड द बेल्ट ऑफ आस्टेरॉयड तेणु आस्टेरॉयड बेल्ट भितर जो मैंने रही है इनर प्लानेट कहगला। तापर जो अदर फोर प्लानेट रही जुपिटर सैटर्न यूरानस नेपच्यून आर कॉल्ड द आउटर प्लानेट और जोभियान प्लानेट। जोभियान प्लानेट मन रख जोभियान प्लानेट कौन पर कहूँगी ना से तांकर जो गैस गैस से भरिकी अच्छा से प्लानेट गुड़ा आमर जमी एटमोसफियर अच्छी से कौन पूरा फुल ऑफ गैस तेणु जोभियान प्लानेट कहूँ। तो बुझिपाल तो ये पिक्चर को पुणी आउ थे देख मर्क्यूरी वेनस अर्थ मार्स आस्टेरॉयड बेल्ट देख लापर जुपिटर सैटर्न यूरानस नेपच्यून। तो ओडिया आम पढ़ी धक्र बिल 300 नटो, तो धक्र माने कौन बुध मर्क्यूरी, क्र माने शुक्र, बी माने अर्थ पृथ्वी, धक्र बिल मंगल, तापर 300 बृहस्पति को आम कौन कौचे जुपिटर, नी रे शनि, स रे यूरानस, तो रे धक्र बिल 392। ओके तेणु आगु जो प्लूटो थिला एटा एबे प्लानेट नाई, तो प्लूटो कौन पे प्लानेट नाई मते कहबो तमे ग्रुप रे। ओके प्लूटो को आमे आगुरु प्लानेट बोली धरुथले किंतु आमर जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन से पुणी आउ थरे तार डेफिनेशन चेंज करी जो रिवाइज गला ता फल रे कोन हला ना प्लूटो को ताकू एक्सक्लूड कराइगला। तो प्लूटो को कौन पे एक्सक्लूड कराइगला ताकू गोटे तुम सर्च करी तुम निजे जानी थी ताकू तुम एथरे मेंशन कर व्हाट्सएप ग्रुप रे आउ डिस्कशन कर। तो जिते सब जिन पढ़ुच मु तो सब जिन पढ़ी पारिनी तेणु तुम कौन करना जो दिन जो चैप्टर थी तुम डिस्कस कर जिते डिस्कस करते तुम क्लारी आसो। तो ये देख छोट छोट जिनस गुड़ा देखिपार थोड़ा कौन एटा आस्टेरॉयड ब्लेड बेल्ट, तापर देख ए गोटे अच्छी क्विपर बेल्ट तेणु कन्फ्यूज हो दुटा बेल्ट अच्छी आमर आस्टेरॉयड बेल्ट मार्स आउ जुपिटर भितर अच्छी प्लूटो पर आमर कौन अच्छी ना क्विपर बेल्ट अच्छी ये देख सेरेस अच्छी पुणी सेरेस को आम पुणी पढ़ा पर कमेट सेरेस कौन कमेट कौन युवा आम पुणी आउ थे देखा नेक्स्ट रे। तो सन को आम एवं फोकस करवा सन को जेहेतु आम फोकस करुचे सन विषय आम देखा। तो सन को देख यहाँ है तार स्ट्रक्चर सन
ফার্স্ট দেখো এতে কোণ অছি না এটা হলা সনর কোর মনে রাখিও ইট ইজ দা কোর অফ দা সন সবুবেলে নিউজরে আসুচি এবে বি আমি পড়িছি অগস্ট মন্থরে হি এগুডা ডিসকস করিছি মানে কারেন্ট অ্যাফেয়ার পড়িছি কিন্তু তুমি পুরা ডিটেল পড়ি নথিব তেণু এইথিরে আমি ডিটেল পড়িয়া পাই ট্রাই করিবা। তো সনরে আমি দেখিলে কোর, তারপরে সেকেন্ড লেয়ার কোণ না রেডিও আকটিভ জোন, তারপরে আগো আমি এই থিওরি পার্টটা পড়িবা তারপরে ইয়াকু পিকচর কু বুঝিয়া পাই ট্রাই করিবা। ওকে, তো সন মানে কোণ না সোলার আটমোসফিয়ার কনসিস্ট অফ ফটোস্ফিয়ার, ক্রোমোস্ফিয়ার এন্ড করোনা। তো ফটোস্ফিয়ার, ক্রোমোস্ফিয়ার দেখো এটা ক্রোমোস্ফিয়ার আউ করোনা, দেখো এটা ফটোস্ফিয়ার বি অছি। তো ফটোস্ফিয়ার ফার্স্ট, তারপরে ক্রোমোস্ফিয়ার, তারপরে করোনা, এটা হলো করোনা। দেখো এতে এই পার্টটা আমি করোনা কুছি মানে তার ডেনসিটি বেশি নাই, যে লাইট অছি দেখো বেশি ইফেক্ট আসুনি, তো এটা করোনা কুছে। ক্রোমোস্ফিয়ারটা তার জস্ট মঝিটা মিডিল পার্টটা এইটা, আউ ফটোস্ফিয়ার কোটা এটা। ওকে, তো ফটোস্ফিয়ার ইজ দা ব্রাইটেস্ট অফ আউটর লেয়ার অফ দা সন দ্যাট এমিট মোস্ট অফ দা রেডিয়েসন। তো ফটোস্ফিয়ার সবুঠু ব্রাইটেস্ট যে আউটর লেয়ার অফ দা সন, মানে বহুত সারা লেয়ার অছি সনরে কিন্তু সবুঠু ব্রাইটেস্ট আউটর লেয়ার কোণ না ফটোস্ফিয়ার। এমিতি নুহ যে করোনাটা ভিতরে অছি, করোনা তা বাহারে অছি। ওকে, তো জস্ট এবভ দা ফটোস্ফিয়ার ইজ দা ক্রোমোস্ফিয়ার, এটা ক্রোমোস্ফিয়ার। ইট ইজ রিলেটিভলি এ থিন লেয়ার এন্ড বর্নিং গ্যাসেস, এতে গ্যাস বর্নিং সবুবেলে হোথায়। তো করোনা ইজ এ ডিস্টিংটিভ আটমোসফিয়ার অফ প্লাজমা দ্যাট সরাউন্ডস দ্য সন এন্ড দ্য অদর সেলেস্টিয়াল বডি। তো করোনা কু তুমি দেখিপারিকি তুমি যেটা পড়লি মু তুমি বুঝিপারুথিব, এ ডার্ক প্যাচ অন দ্য সরফেস অফ দ্য সন ইজ নন আজ সন স্পট। যে ডার্ক প্যাচ যে অছি সরফেস সনর সরফেসরে তাকে আমি সন স্পট কৌছি। তাহলে সন স্পট কোটা, সন স্পট কোটা, তাহলে এইথিরে দেখো সন স্পট কাকু কৌছি আমি, দেখো এই পিকচরে দেখো লেফট সাইড লেখা হয়েছে এটা সন স্পট, তাকে আমি কোণ কৌছি। আহরি তার নেম অছি দেখো পেনুম্ব্রা, উম্ব্রা, তারপরে এই যে গ্রানুল সবু অছি, তো ইয়াকু বি তুমি নিজে বুঝিপারিব। তারপরে দেখো সোলার উইন্ড, সোলার উইন্ড ইজ এ স্ট্রিম অফ এনার্জাইজড চার্জ পার্টিকল প্রাইমারিলি ইলেকট্রন প্রোটন ফ্লোয়িং আউটওয়ার্ড ফ্রম দ্য সন। তেমন এই যে সোলার উইন্ডটা সবুলে আউটওয়ার্ড ফ্রম দ্য সনরে সবুলে কন্টিনিউসলি বহি চালিছি। তো সোলার ফ্লেভর কোণ দেখো, ফ্লেভর নুহ সোলার ফ্লেয়ার, সোলার ফ্লেয়ার কোণ আর দ্য ম্যাগনেটিভ স্টর্ম অন সন হুইচ আপিয়ার টু বি এ ভেরি ব্রাইট স্পট এন্ড ইজ গ্যাসিয়াস সরফেস এরপশন। তেমন এই যে দেখো এটা ফ্লেয়ার, এটা বহুত ব্রাইট স্পট, ইয়াকু নেইকি তুমি মনে রাখিব। আউ এন্ড ইজ এ গ্যাসিয়াস সরফেস এরপশন, সেই যে গ্যাসিয়াস সরফেসরে কোণ এরপশন যে হোথিব তাকে আমি ফ্লেয়ার কৌছি। তো দেখো এটা প্রমিনিয়েন্স বি অছি যেথিরে আমার এইথিরে মেনশন করিনি আমি। তো এইসব জিনিস হলো তুমি বহুত সারা আইডিয়া পাইথিব, ইয়াকু দেখিলে তুমি যেতবে আগরু কোণ দেখুথিব, যদি জানি নথিব ঠিকসে ইয়াকু বুঝিপারুনথিব যে এডে বড় কোণ এটা গোটে অছি, এটা কোণ না ক্রস স্ট্রকচর হইকি, মানে এটা কোণ হইছি ক্রস সেকশন কু আমি এইথিরে আনালাইজ করুছে। তো সেথিপাই ফটোস্ফিয়ার, ক্রোমোস্ফিয়ার আউ করোনা এটা হলো বহুত ইম্পর্টান্ট বুঝিবা পাই। তো দিস ইজ দা টাইপিক্যাল স্ট্রকচর অফ সনস লেয়ার, ভেরিয়স লেয়ার। তো সন বিষয়ে আমি দেখিলে, সনর স্ট্রকচর কু দেখিলে, তো এবে আমি দেখিবা যে প্ল্যানেট সবু অছন্তি প্ল্যানেট মানুকু দেখিবা। তো মর্কুরি দেখো, মর্কুরি ফিচর যদি আমি দেখিবা স্মলেস্ট ক্লোজেস্ট 36 মিলিয়ন মাইল 88 ডে রিভলিউশন। তো 88 ডে রিভলিউশন, তো মানে জাঁপারুব কেতে হচ্ছে যে রিভলিউশন কলে, তো কেতে আমার পৃথিবী সূর্য চারিপটে বুলিবা পাই কেতে টাইম নেউছি, পৃথিবী সূর্য চারিপটে যা পাই কেতে টাইম নেউছি লেখা হয়েছি। দেখো ইয়ার্থে 27 ডেজ ওয়ান্স ইন, নিজ চারিপটে বুলিবা পাই 27 দিন। তো সেমতি আমার মর্কুরি বি দেখো সেই জিনিসটা অছি। ওকে, তো রিভলভ ইস্ট ওয়ার্ড, এটা ইস্ট ওয়ার্ড বুলুছি। তো কেউ প্ল্যানেট ইস্ট ওয়ার্ড বুলুছি, কেউ প্ল্যানেট ওয়েস্ট ওয়ার্ড বুলুছি তাকে আমি দেখিবা, বা তুমি নিজে দেখিব। ওকে, তো মর্কুরিরে কোণ অছি না, মর্কুরির ফিচর আমি দেখুছি যে ইট ইজ দ্য স্মলেস্ট প্ল্যানেট, ক্লোজেস্ট ফ্রম দ্য সন, ক্লোজেস্ট প্ল্যানেট উইথ দ্য সন, 36 মিলিয়ন মাইল, 88 ডেজ রিভলিউশন। তো ভেনস হলো কোণ না টুইন প্ল্যানেট অফ আর্থ, ভেনস ইজ দ্য টুইন প্ল্যানেট অফ আর্থ। তো ভেনস কু যদি আমি দেখিবা এটা দেখো এই পিকচর তুমি দেখিপারুথিব, ভেনস ইজ দ্য টুইন প্ল্যানেট অফ দ্য আর্থ। ওকে, তো এই দুইটা সেম সেম লাগুছি আমাকে, সেইপাই তাকে টুইন প্ল্যানেট কুহছি, মার্স নুহ। ওকে ওকে, তো ইয়ার্থরে যদি আমি ডিসকসড ইন ডিটেল ইন লেটর পার্ট আমি ডিসকস করিবা ইয়ার্থ কু নেইকি, স্যাটেলাইট মুন রিভলভ ইস্ট ওয়ার্ড ওয়ান্স ইন 27 ডেজ, তো এটা জানিছো সমস্তে। তারপরে এবে দেখিবা মার্স, মার্স কু যদি পিকচর কু যদি মু নেবি তুমি ফার্স্ট আগে পড়িবা, ডার্ক প্যাচেস ইট পজেসেস অ্যান আটমোসফিয়ার অফ মোস্টলি কার্বন ডাইঅক্সাইড,
इट रेड कलर कम्स फ्रॉम द आयरन ऑक्साइड इन इट्स सॉइल। तो रेड कलर जो आसुची आमर देखो पर्टिकुलरली इथरे देखो मार्स, इट इज द मार्स। तो इथरे आमर कोन कोन पडुची आमे मार्स मार्स को नै कि डार्क पैचेस रहिची, तापरे एटमॉस्फेयर ऑफ मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड, आमर जेमती सब मिसिकी अछि कार्बन डाइऑक्साइड हो कि ऑक्सीजन हो नाइट्रोजन सब मिसिकी अछि, किंतु एथरे तांकर मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड रहुची। इट्स रेड कलर कम फ्रॉम द आयरन ऑक्साइड। तो मार्स रे आमर सब स्पेसिफिक फीचर कोन ना आयरन ऑक्साइड इथरे बहुत अछि। ओके कोठी तार सॉइल रे तो मार्स जाय आमे देखिले, तापरे एबे आमे देखिबा जुपिटर। जुपिटर इज द लार्जेस्ट आउटर प्लानेट। यु आउटर प्लानेट जो अछंती एथरे ए जो आउटर प्लानेट सब अछंती सबुटु बड़ प्लानेट कोटा ना जुपिटर। तो इवन टोटल माने जो आठटा भितरु सबुटु बड़ जुपिटर। ओके कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन हीलियम एंड मिथेन। इट हैज सर्कुलर लाइट एंड डार्क बैंड विथ आउटर रिंग। तार सैटेलाइट केतरा अछि आमो एयरथ्रो केतरा सैटेलाइट अछि गोटे, तेणु जुपिटर केतरा अछि ना 12 सैटेलाइट। वेरी कोल्ड कौन पे ना सूर्य ठु बहुत दूर रे से अछि। ओके -130 डिग्री सेल्सियस, तेणु आम से बची पारा ना। प्लानेट विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ मून। तो बारटा जेहेतु सैटेलाइट अछि आम कहे कौन प्लानेट विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ मून किए जुपिटर। तापर आम देखा सैटर्न। सैटर्न बेसिकली आम तीन टा रिंग अच्छी देख सैटर्न एमती है तीन टा रिंग थी यटा को आम कौन देखी पार ना ठीक से यार तीन टा रिंग अच्छी नौटा सैटेलाइट अच्छी सेकेंड लार्जेस्ट जेहेतु नौटा अच्छी सेकेंड लार्जेस्ट आमर कौन प्लानेट। रिवल्यूशन टेक्स 29.5 ईयर माने 29 वर्ष थे जी से बुले। इट कंपोज मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो हाइड्रोजन एंड हीलियम रे इथरे तांकर तार जो सैटर्न को माने तार कंपोनेंट सब हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो यूरानियम को जदि देखिबा यूरानस को ब्लूइस ग्रीन, देखो यूरानस को ब्लूइस ग्रीन तुम देखि पार छो एटा। तापर 50 टाइम लार्ज एंड 15 टाइम हेवी। 15 टाइम लार्ज एंड 15 टाइम हेवी। 5 सैटेलाइट्स ऑर्बिट ईस्ट टू वेस्ट। सेम जिनस माने एयर जमी बुले ईस्ट टू वेस्ट सेमती यूरानस भी बुलुची। तो 15 टाइम हेवी। तापर नेपच्यून को जदि आम देखिबा दुईटा सैटेलाइट अछि कोल्डर। यूरानस एंड नेपच्यून आर कॉल्ड द ट्विन्स ऑफ आउटर सोलार सिस्टम। तो यूरानस आमर जमी आमर अर्थ कहार ट्विन वेनस रो। तो वेनस अर्थ जमी ट्विन आउटर सोलार सिस्टम रे भी नेपच्यून आउ यूरानस तांकर ट्विन। ओके तो प्लूटो प्लूटो देखो इट इज प्लानेटोइड ऑर्बिट इन 247 ईयर। तो याकु आमे प्लूटो को तो आमे माने कंसीडर करूना किंतु मु तुमको टैक्स देची तुम्हें ताकु मेंशन करके सर्च करके देखिबो आउ कहिबो से ग्रुप रे मेंशन करिबो आउ ई कमेंट सेक्शन रे भी मेंशन करिबो। ओके तो ए सब जिंस देखला पर आमे देखले कोन ना इनर प्लानेट आउ आउटर प्लानेट भितरे कोन करिबा ना कंपैरिजन करिबा तांकर किछि सिमिलैरिटी अछि आउ किछि डिफरेंस अछि। तो सर एटा जदि सेट ए नौचे एटा सेट बी नौचे आमे केमति सेट ए इंटरसेक्शन बी करूचे। तो इंटरसेक्शन बी जदि करूचे ए रे आमर ए आउ बी भितरे सिमिलैरिटी कोन अछि आमे देखि पारूचे। तो कोन कोन अछि ऑर्बिट द सन आमे एटी कोन कॉमन जिंस देखुचे तेणु ऑर्बिट द सन समस्ते माने इनर हो कि आउटर हो से सन चारिपटे बुलंती। प्लानेट समस्ते प्लानेट सेपरेटेड बाय आस्टेरॉइड बेल्ट। आस्टेरॉइड बेल्ट रे समस्ते सेपरेट हुंती इन ए मिल्की वे इन द यूनिवर्स बिग इनसाइड द कुइपर बेल्ट इनसाइड द ऑर्ट क्लाउड। तो ऑर्ट क्लाउड तुम्हें पर देख पिक्चर मुझे देखेबी तुमको ऑर्ट क्लाउड। ओके कुइपर बेल्ट ऑर्ट क्लाउड ऑर्ट क्लाउड कौथे अच्छी आम देखा। तो ऑर्ट क्लाउड आम सब अच्छी तेणु से सिमिलैरिटी देखा तेणु इनर प्लानेट भी अच्छी आउटर प्लानेट भी अच्छी। तो ये देख डिफरेन्स कौन पर अच्छी ना इनर प्लानेट मैंने बेसिकाली सलीड आउटर प्लानेट मैंने गैसियस। तो रकी एटा रकी इनर प्लानेट मैंने किंतु आउटर प्लानेट मैंने रिंग। तापर एटा वार्मर एटा कूलर। तापर क्लोजर टू सन फारर फ्रॉम सन स्मॉलर ए मैंने लार्जर। मोस्टली मेड ऑफ मेटल एटा मोस्टली मेड ऑफ मिथेन हाइड्रोजन हीलियम जो मुझे कही एटा कौन आउटर प्लानेट गुड़ा सब गैसियस फॉर्म रे अछंती। तापर मर्क्यूरी वेनस अर्थ मार्स एगुटा कौन जुपिटर सैटर्न यूरानस नेपच्यून। तो ये जो लिखाई इन द मिल्की वे इन द यूनिवर्स बिग इनसाइड द क्विपर बेल्ट इनसाइड द ऑर्ट क्लाउड। तो या देखा ये नेक्स्ट जो
ତାକୁ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚରାଇଜ କରିକି ଦେଖିବା ଯେ ଅଟ୍ କ୍ଲାଉଡ୍ କ'ଣ। ଓକେ, ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇପିକାଲ ପିକ୍ଚର ଅଫ୍ କୁଇପର ବେଲ୍ଟ। ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଆଷ୍ଟରଏଡ୍ ବ୍ଲେଡ୍ ବେଲ୍ଟ, ତ ଆଷ୍ଟରଏଡ୍ ବେଲ୍ଟ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମେନସନ୍ କର, ଆଷ୍ଟରଏଡ୍ ବେଲ୍ଟ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଭିତରେ ଅଛି। ତ କାହା କାହା ଭିତରେ ଅଛି ନା ଜୁପିଟର ଆଉ କାହାର ମାର୍ସ, ମାର୍ସ ଆଉ ଜୁପିଟର ଭିତରେ ଆଷ୍ଟରଏଡ୍ ବେଲ୍ଟ ଅଛି। ତ ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ବେଲ୍ଟ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା କୁଇପର ବେଲ୍ଟ। ତ କୁଇପର ବେଲ୍ଟ ଦେଖ, ଏଇଟା ଯଦି ଆମର ପ୍ଲୁଟୋ ହେଉଛି, ନେପଚୁନ ପ୍ଲୁଟୋ, ତ ନେପଚୁନ ପ୍ଲୁଟୋ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମର କୁଇପର ବେଲ୍ଟ ଆସୁଛି। ତ କୁଇପର ବେଲ୍ଟକୁ ଯଦି ଆମେ ଡିଫାଇନ୍ କରିବା ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନରେ, ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କୁଇପର ବେଲ୍ଟ କ'ଣ। ତ ଏଥିରେ ଦେଖ ହେଡ଼ିଂ ଦେଖ, ଲେଖା ହେଇଛି ଫାଷ୍ଟ ମିଶନ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଦ କୁଇପର ବେଲ୍ଟ କ'ଣ। ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ କୁହ, ଏଇଟା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ନ୍ୟୁଜ୍, ଫାଷ୍ଟ ମିଶନ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଦ କୁଇପର ବେଲ୍ଟ, ମାନେ ଗୋଟେ ମିଶନ ହେଇଛି, ମିଶନ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛି, ସେଇଟା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କିଏ କରିଛି, ନାସା କରିଛି। ନାସା ଯେହେତୁ କରିଛି, ସେଇଟା ସେଇ ତାର ଗୋଟେ ନାଁ ଥିବ କୁଇପର ବେଲ୍ଟକୁ ଆମର ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ପାଇଁ, ତ ତାର ନାଁ କ'ଣ, ନ୍ୟୁ ହରିଜନ। ଓକେ, ତ ନ୍ୟୁ ହରିଜନର ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପାଥ୍ ରାଇଟ୍ ଦେଖେଇଛି, ଦେଖ ଏଇଟା ଅଲ୍ଟିମା ଥୁଲେ ପ୍ଲୁଟୋକୁ ନେଇକି ଅବଜରଭେସନ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଏ ନ୍ୟୁ ହରିଜନଟା କୁଇପର ବେଲ୍ଟକୁ ନେଇକି ଅବଜରଭେସନ୍ କରୁଛି। ତ ଦେଖୁ ଅଲ୍ଟିମା ଥୁଲେ ଅଫିସିଆଲି 2014 ଫ୍ଲାଏ ବାଇ ଜାନୁଆରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ 2019। ତ ଏଇସବୁ ନଲେଜ ତୁମର ଥିବା ଦରକାର, ୟାକୁ ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ବେସିକ୍ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ା, ତୁମେ ଇଜିଲି ତାକୁ ମନେ ରଖିପାରିବ। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କୁଇପର ବେଲ୍ଟ। କୁଇପର ଇଜ୍ ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ରିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଦ ଡେବ୍ରିଜ୍ ସିମିଲାର ଟୁ ଦ ଆଷ୍ଟରଏଡ୍ ବେଲ୍ଟ, ବଟ୍ କନସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ମେନ୍ଲି ଅଫ୍ ଅବଜେକ୍ଟ କମ୍ପୋଜ୍ଡ ପ୍ରାଇମେରିଲି ଅଫ୍ ଆଇସ୍। ତ ଆଇସି ସବଜେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ଏଥିରେ ଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ବହୁତ ସାରା ଥଣ୍ଡା ପୁରା, ମାନେ ଏଠି କୁଲର ଜାଗା ଗୁଡ଼ା, ସେଥିପାଇଁ ୱାର୍ମର ନୁହଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ସନ୍ ଠୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରାଇମେରି ଅଫ୍ ଆଇସ୍ରେ ଏଇଟା କନସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ହେଇଛି। ତ ସେଲେଷ୍ଟିଆଲ ବଡି ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ, ଏନି ନେଚୁରାଲ ବଡି ଆଉଟସାଇଡ୍ ଦ ଆର୍ଥ ଆଟମସ୍ଫିୟର, ତାକୁ ଆମେ ସେଲେଷ୍ଟିଆଲ ବଡି କହୁଛେ। ତାହେଲେ ସେଲେଷ୍ଟିଆଲ ବଡିର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦିଅ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ। ସେଲେଷ୍ଟିଆଲ ବଡି ମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛେ ନା, ଏନି ନେଚୁରାଲ ବଡି ଆଉଟସାଇଡ୍ ଦ ଆର୍ଥର ଆଟମସ୍ଫିୟର ଯଦି ରହୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ସେଲେଷ୍ଟିଆଲ ବଡି କହୁଛେ। ତେଣୁ ସେଲେଷ୍ଟିଆଲ ବଡିର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦିଅ। ତ ଆଷ୍ଟରଏଡ୍ ସେମିତି ଅଛି, ଆଷ୍ଟରଏଡ୍ କ'ଣ ନା ସ୍ମଲ ରକି ବଡି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅର୍ବିଟିଂ ଦ ସନ୍, ଲାର୍ଜ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ରେଞ୍ଜିଂ ଏନରମସ୍ଲି ଇନ୍ ସାଇଜ୍ ଏଣ୍ଡ ଆର୍ ଫାଉଣ୍ଡ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଅର୍ବିଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍ସ ଏଣ୍ଡ ଜୁପିଟର, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ। ତ ସେଲେଷ୍ଟିଆଲ ବଡି ତୁମେ କହିପାରିବ ମୁନ୍, ମାନେ ଆର୍ଥରୁ ବାହାରେ ଯଦି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସେ ମାନେ ଜିନିଷଟା ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ସେଲେଷ୍ଟିଆଲ ବଡି। ତ ମୁନ୍କୁ ବି କହିପାରିବା, ତ ଅଲଗା ଯେତେ ସବୁ ମାନେ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆର୍ଥ ବାହାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସେଲେଷ୍ଟିଆଲ ବଡି କହିପାରିବା। ତ କମେଟ୍ କ'ଣ, ତାହେଲେ କମେଟ୍ ଆଉ ତୁମର କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ସବୁବେଳେ ରୁହେ ମେଟେୟର ଆଉ ମେଟେରଏଡ୍। କମେଟ୍ କ'ଣ, ମେଟେୟର ଆଉ ମେଟେରଏଡ୍ କ'ଣ। ତ କମେଟ୍ କ'ଣ ନା, ଏ ସେଲେଷ୍ଟିଆଲ ଅବଜେକ୍ଟ କନସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଅଫ୍ ଆଇସ୍ ଏଣ୍ଡ ଡଷ୍ଟ, ଏଣ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍ ନିୟର ଦ ସନ୍ ଏ ଟେଲ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଣ୍ଡ ଡଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକିଲ୍ ପଏଣ୍ଟିଂ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସନ୍। ତ ଏଇଟା କ'ଣ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସେଲେଷ୍ଟିଆଲ ଅବଜେକ୍ଟ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆର୍ଥରେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ବାହାରେ ଅଛି, କନସିଷ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଅଫ୍ ଆଇସ୍ ଏଣ୍ଡ ଡଷ୍ଟ, ଏଣ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍ ନିୟର ଟୁ ସନ୍ ଏ ଟେଲ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଣ୍ଡ ଡଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକିଲ୍ ପଏଣ୍ଟିଂ ଆଉଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସନ୍। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କ'ଣ, ଦେଖିଥିଲେ କମେଟ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ, ଦେଖ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ପର୍ଟିକୁଲାର କମେଟ୍, ତାର ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଦେଖ ରହିଛି, ଏଇଟା ପୁଣି ତାର ବହୁତ ବାହାରେ ଅଛି ଆର୍ଥରୁ, ଯଦି ଆମେ ବାହାରେ କହୁଛେ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛେ, ସେଲେଷ୍ଟିଆଲ ବଡି କହୁଛେ, ଆର୍ଥ ଏଇଟା, କମେଟ୍ ଏଇଟା, ଦେଖ ନା ନାହିଁ। ତ ପୁଣି ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବୁଝିଲେ, କମେଣ୍ଟ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ନା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଅବଜେକ୍ଟ କନସିଷ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଅଫ୍ ଆଇସ୍ ଏଣ୍ଡ ଡଷ୍ଟ, ଏଣ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍ ନିୟର ଟୁ ଦ ସନ୍ ଏ ଟେଲ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଣ୍ଡ ଡଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକିଲ୍ ପଏଣ୍ଟିଂ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସନ୍। ସେଥିପାଇଁ ତାର ଫିଗରଟା ଏମିତି ହେଇକି ଅଛି, ପଏଣ୍ଟିଂ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସନ୍। ତ ମେଟିଅର ଆଉ ମେଟେରଏଡ୍ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଏଥିରେ ବୁଝିବା। ମିଟିଅର କ'ଣ, ମିଟିରଏଡ୍ କ'ଣ, ଏ ମିଟିଅର ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆଷ୍ଟରଏଡ୍ ଅର୍ ଅଦର ଅବଜେକ୍ଟ, ଆଷ୍ଟରଏଡ୍ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ଅଦର ଅବଜେକ୍ଟ ହେଇଥିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ବର୍ନ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଭେପରାଇଜ୍ ଅପନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ ଟୁ ଆର୍ଥ ଆଟମସ୍ଫିୟର। ସପୋଜ୍ ଏଇଟା ଆର୍ଥ, ଆର୍ଥର ଆଟମସ୍ଫିୟର ଏଥିରେ ଅଛି, ଆଟମସ୍ଫିୟରକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି କିଏ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଷ୍ଟରଏଡ୍ କିମ୍ବା ଅଦର ଅବଜେକ୍ଟ, ତ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି, ବର୍ନ୍ ଏଣ୍ଡ ଭେପରାଇଜ୍ ଅପନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟୁ ଆର୍ଥ ଆଟମସ୍ଫିୟର। ତ ବର୍ନ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଭେପରାଇଜ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା, ସୁଟିଂ ଷ୍ଟାର ବି କହୁଛେ। ତେଣୁ ସୁଟିଂ ଷ୍ଟାରର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ନା, ମେଟିଅର। ତାହେଲେ ମେଟିଅରାଇଡ୍ କାହାକୁ କହୁଛେ ନା, ଇଫ୍ ଏ ମେଟିଅର ସର୍ଭାଇଭ୍ ଦ ପ୍ଲଙ୍ଗ ଥ୍ରୋ ଦ ଆଟମସ୍ଫିୟର ଏଣ୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ସର୍ଫେସ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ମେଟିଅରାଇଡ୍। ତେଣୁ ଯଦି ମେଟିଅରଟା ଯଦି ପଳେଇ ଆସିଲା ଆର୍ଥରେ, ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ପଡ଼ିଦେଲା, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ମେଟିଅରାଇଡ୍ କହୁଛେ। ତ ଇଜିଲି ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଏବେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଅଛେ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି
ଏଥିରେ ଦେଖ ମୁଁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଜୁମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜୁମ୍ କରିକି ତୁମକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଦେଖ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟାଇପିକାଲ ପିକ୍ଚର। ତ ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ୟାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର। ଓକେ, ତ ଏଥିରେ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି, ଇଅନ୍, ଇରା, ଇପୋ। ଇଅନ୍, ଇରା, ପିରିୟଡ଼, ଇପୋ ଏଇସବୁ ଅଛି। ତ ମିଲିୟନ୍ ଇୟର୍ ଏଗୋ କେଉଁ କେତେ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ସେଇଟା ବି ଅଛି। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ କରିବ, ଟେବୁଲ୍ କରିକି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବ, ହେଲା। ତ ଇଅନ୍ କ'ଣ, ଇରା କ'ଣ, ପିରିୟଡ଼ କ'ଣ, ଇପୋ କ'ଣ, ଏଥିରୁ ଇମାଜିନ୍ କରିପାରୁଛ। ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ତୁମକୁ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଅନ୍ ଯଦି ଅଛି, ଇଅନ୍ଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫର୍ମ, ତାପରେ ସବୁ ଇଅନ୍ ଭିତରେ ଇରା ଅଛି। ଦେଖ ଫେନୋଜୋଇକ ଇଅନ୍ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଇରା ଅଛି, ପାଲିଓଜୋଇକ, ମେସୋଜୋଇକ, ସେନୋଜୋଇକ, ଏମିତି ସବୁ ଇରା ଅଛି। ତ ପିରିୟଡ଼ ବି ସେମିତି ଅଛି, ଗୋଟେ ଇରା ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ପିରିୟଡ଼ ଅଛି, କ୍ୱାଟର୍ନାରୀ, ନିଓଜେନ, ପାଲିଓଜେନ ଏଇସବୁ ଅଛି। ତାପରେ ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ ପୁଣି ଦେଖ ଇପୋ ଅଛି, ହାଲୋସେନ, ପ୍ଲାଷ୍ଟୋସିନ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ତ ସବୁଠୁ କମ୍ ଲାଟେଷ୍ଟ କେଉଁଟା, ହାଲୋସିନ, ଯେଉଁଟାକି 0.01 ମିଲିୟନ୍ ଇୟର ଏଗୋ। ତ ଧୀରେ 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 ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଡ଼କୁ ଯାଉଛେ, ଦେଖ ଏମିତି ହେଇକି କେତେ ଅଛି, ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି, କାମ୍ବ୍ରିଆନ୍ ଏଜ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଦୁଇଟା, ଗୋଟେ ଇଅନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ଇଅନ୍ କେତେଟା ଅଛି, ଗୋଟେ, ଦୁଇଟା, ତିନିଟା, ଚାରିଟା। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ 4600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଫର୍ମେସନ୍ ଆର୍ଥ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଆର୍ଥର ଫର୍ମେସନ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା, 4600 ଇୟର୍ସ ଏଗୋ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସେଇଟା କେଉଁ କେଉଁ ଇଅନ୍ ଥିଲା ନା, ହେଡ଼େନ୍ ଇଅନ୍ ଥିଲା। ଦେଖ ହେଡ଼େନ୍, ତାପରେ ଆର୍କିଏନ୍, ତାପରେ ପ୍ରୋଟୋଜିଓଇକ୍, ତାପରେ ଆମର ଫେନୋରୋଜିକ୍। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ ଆମର କେତେଟା ଇଅନ୍, ଚାରିଟା। ଇରା କେତେଟା, ଇରା ମାନେ ସବୁ ଇଅନ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇରା ଅଛି, ଗୋଟେ, ଦୁଇଟା, ତିନିଟା, ଚାରିଟା। ତ ତାକୁ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ। ତ ମେନଲି ତୁମର ଯେଉଁ ଯେଉଁ କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ତୁମେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଥିରେ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, 4006 ଇୟର୍ ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଥ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଆର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଟମସ୍ଫିୟର ଆସିଲା, ତାପରେ ଆର୍ଥର କ୍ରଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା ନା ନାହିଁ। ତ ଏଥିରେ ଦେଖ ୟାର୍ଲି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏଣ୍ଡ ଆଲଜାଇ, ଆମେ ତ ଆସିନଥିଲେ, ଫାଷ୍ଟ କିଏ ଆସିଲା, ୟାର୍ଲି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏଣ୍ଡ ଆଲଜାଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ କେମିତି ଆସିଲା ଏଗୁଡ଼ା ନା, ଆମର ଆଟମସ୍ଫିୟର ଆସିଥିବ, ଆଟମସ୍ଫିୟର ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା, ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ହେଇଥିବ, ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆରୁ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସିମ୍ପୁଲ ମଲ୍ଟିସେଲ୍ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍, ତାପରେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ମଲ୍ଟିସେଲ୍ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍, ଏମିତି ହେଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ମାନେ ତା'ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ମାସ୍ ଏକ୍ସଟିଙ୍କସନ୍, ଏଇଠି ଦେଖ ମାସ୍ ଏକ୍ସଟିଙ୍କସନ୍ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। କେତେଟା ମାସ୍ ଏକ୍ସଟିଙ୍କସନ୍ ଅଛି ନା, ଟୋଟାଲ 5ଟା ପାଖାପାଖି, ପାଞ୍ଚଟା କି 6ଟା ଅଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମାସ୍ ଏକ୍ସଟିଙ୍କସନ୍ କେବେ କେବେ ହେଇଥିଲା ବି ମନେ ରଖିବ। ଆମେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ରେ ବହୁତ ଆଗରୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ, ତ ମୁଁ ପାରିବି ଯଦି ତାକୁ ବି ରେଫର୍ କରିବି, ମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଯଦି ନିଶାନ ଯଦି ଦେଖିଥିବ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ଟ୍ରାଏ କରିବ ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁ ମାସ୍ ଏକ୍ସଟିଙ୍କସନ୍ ହେଇଛି, ଯେତେଟା ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ରେ ଦେଖିଛ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ବର୍ଷ ହିଁ ଦେଖିଛ। ତ ଏଇ ବର୍ଷରେ ଆମର ଯେଉଁ ଭିଜନ୍ ଆଇସ୍ରେ ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଡେଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ରେ ଗୋଟେ PDFରେ ଦେଇଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବି ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ। ଇନସାଇଟ୍ରେ ବି ସେ ଜିନିଷ ଦେଇଥିଲା, ବଟ୍ ଭିଜନ୍ ଆଇସ୍ରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଦେଇଥିଲା ବୁଝେଇକି। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ, ମ୍ୟାରିନ୍ ଇନଭର୍ଟିବେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କ୍ରିଏସନ୍ ହେଲେ, ତାପରେ ଫିସେସ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ହେଲେ, ତାପରେ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଆମ୍ଫିବିଆନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ରେପ୍ଟାଇଲ୍, ରେପ୍ଟାଇଲ୍ ପରେ ମାମାଲ। ତ ମାମାଲ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଆମେ ଆମର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ନର୍ଥ ଆମେରିକାର ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ ଲାଇଫ୍ର ଫର୍ମେସନ୍, ଏଇଟା କ'ଣ ନର୍ଥ ଆମେରିକାନ୍ ଇଭେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନର୍ଥ ଆମେରିକାରେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଇଭେଣ୍ଟ ହେଇଛି ତାକୁ ନେଇକି ଏଥିରେ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ଏତେ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ତ ମାସ୍ ଏକ୍ସଟିଙ୍କସନ୍ ଟୋଟାଲ୍ କେତେଟା ଆମେ ଏଥିରେ ଗଣିଦେବା, ଏକ୍ସଟିଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଲାର୍ଜ ମାମାଲ ଆଣ୍ଡ ବାର୍ଡ ମଡର୍ନ ହ୍ୟୁମାନ, ୟାକୁ ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି, ଏଇଟା ଅଫିସିଆଲି ଡିକ୍ଲାର ହେଇନି, କିନ୍ତୁ କେତେଟା ଡିକ୍ଲାର ହେଇଛି ନା, 1, 2, 3, 4, 5, ଟୋଟାଲ 5ଟା ମାସ୍ ଏକ୍ସଟିଙ୍କସନ୍ ହେଇଛି। ଏବେ ଏବେ ଆମର 6th ମାସ୍ ଏକ୍ସଟିଙ୍କସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବୋଲି ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବାହାରିଥିଲା। ତ ଏଇଥିରେ ଦେଖ ସବୁଠୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମର ଇପୋ ଯେଉଁ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଇଅନ୍, ଇରା, ପିରିୟଡ଼, ଇପୋ। ତେଣୁ ଆମର ଲାଟେଷ୍ଟ ଇଅନ୍ କ'ଣ, ଲାଟେଷ୍ଟ ଇଅନ୍ ଫିନିୟରୋଜୋଇକ୍, ଲାଟେଷ୍ଟ ଇରା କ'ଣ, ସେନୋଜୋଇକ୍,
लाटेस्ट पीरियड कौन क्वाटरनरी, लाटेस्ट इपो कौन हेलोसीन, तापरे को माने लाटेस्ट फॉर्मेशन कौन एज ऑफ मामल। तो ये सब जिनस तुमको मन रखा पड़ो। ओके तो एतिक आज बुझार बहुत सारा जिनस बहुत तो नहीं माने बेसिक जिनस आम ये ओरिजिन ऑफ अर्थ को लेकिन बहुत सारा जिनस बुझीपारे। तो आउ किसी मुझे जिनसटा कहूँ जो पार्ट तुम पढ़ ये सब जिनस तो तुम बेसिक जाच किंतु तुम्हें जब से पार्ट को जीव पीएमएफ आईएस को जीव से मटेरियल को मुझे तुमको देखेबी। देखो दिस इज पर्टिकुलरली टाइपिकल आमर जो पीएमएफ आईएस जो मुझे जस्ट देखा देखो पीएमएफ आईएस डॉट कॉम लिखाई देख तो या तुम जब जाऊ देख ए ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट पीडीएफ नोट फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम लिखाई तापर एदी तुम क्लिक कर ये सब कौन किणवाई कह कि तुम्हें जब ए क्लिक कर होम पेज रे ज्योग्राफी को से नहीं तो ज्योग्राफी क्लिक कले सेम जिन तुम किणिले कौन होना से पीडीएफ मटेरियल गुड़ा पाइपर कि तुम जब न किणव डायरेक्ट तुम भिजिबल तुम कर तेनाली जो जिन गुड़ा पढ़ुचे देख आम पढ़ा ये जिनस गुड़ा सोलार सिस्टम जियोमोरफोलोजी क्लाइमेटोलोजी ओशियनोग्राफी इंडियन ज्योग्राफी इकोनोमिक ज्योग्राफी सब जिन पढ़ा इवेन आम लोकेटेड लोकेशन बेस्ड टॉपिक। तो यूर आम कौन करवा ना फास्ट जो सोलार सिस्टम रे जो यूनिवर्स बिग बैंग थ्योरी डार्क एनर्जी आम डार्क एनर्जी पढ़ी ना कि तुम ए पढ़ तो कौन पर ना आम जो विकली टेस्ट हे यूर तुम क्वेश्चन आसो से मुझे तो ग्राविटेशनल वेव स्टार फॉर्मेशन केमती है सोलार सिस्टम केमती है सब जिन सब अच्छी सन इंटरनल स्ट्रक्चर एंड एटमॉस्फेयर सोलार विंड सब जिन अच्छी प्लानेट ऑफ द सोलार सिस्टम एंड अदर सोलार सिस्टम ऑब्जेक्ट एतिकी तो आम डिस्कस करचे ना तो एतिकी तुम आज पढ़ तो जदि मुझे फर्दर देखे जब देखा मतलब कह सपोज डार्क एनर्जी सार तुम आम देखू केमती पढ़ू आम तो ये क्लिक कर क्लिक कले देख ए आसूरी टेबुल ऑफ कंटेंट तो या तुम गोटे कौन कर बिग बैंग थ्योरी जो फास्ट चैप्टर को लेकिन तुम कौन कर फास्ट चैप्टर ना कौन द यूनिवर्स तो द यूनिवर्स को एमती गोल बुलेद गोल बुले कि कौन कर ना तार जो टॉपिक अच्छे टोटल के टॉपिक अच्छे आठटा तो आठटा टॉपिक को तुम चारिड़े स्टार मार्क करके वन टू थ्री फोर करके मन रखे देख बिग बैंग थ्योरी जब क्लिक कर बिग बैंग थ्योरी आसो जदि या क्लिक न करुच टिके तौक जीव देख कस्मस मान कौन ना अनादर वर्ड ऑफ द यूनिवर्स यूनिवर्स अलग ना कौन कस्मस कस्मिक कौन ना यूनिवर्स आउ कस्मस रिलेटिंग टू यूनिवर्स तो कस्मिक रे जो कहते से ही जिनसटा को आम कस्मिक बोली कहे तेणु कस्मिक रे कौन ना हाईली एनर्जी आटोमिक न्यूक्लियस और अदर आर्टिकल ट्रावेलिंग थ्रू स्पेस एट द स्पीड अप्रोचिंग दैट ऑफ लाइट डायरेक्ट एक्सपोजर कस्मिक रे कैन कॉज जेनेटिक जीन म्यूटेशन रिजल्टिंग इन कैंसर तो कस्मिक रे द्वारा आमर कैंसर भी हुए तो कस्मोलॉजी कौन ना स्टडी साइंटिफिक स्टडी ऑफ लार्ज स्केल प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनिवर्स एज ए होल नासा कही कस्मोलॉजी डेफिनेशन तो ये सब जिन आस्ट्रोनॉमी है कौन साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट तो मुझु जिन पढ़े ना तेणु तुम काम कौन ना गोटे मुझे जस्ट ओवरव्यू दौर तुमको ओवरव्यू देलापर तुम काम कौन एसव ए पशिक तुम निजे नोट कर जहाँ नोट करवा कथा से नोट कर सही जिनस आग करतापर यही जिनस को आसो तो मुझे तुमको गोटे जिनस कहें भूली जाइए मोस्ट कस्मोलॉजिस्ट बिलीव दैट यूनिवर्स वाज बोर्न अबाउट 13.8 बिलियन इयर्स एगो तो बिग बैंग थ्योरी रे यहाँ मोर कहार तो केवेला तेणु ज्योग्राफी ऑप्शनल मैंने ये पिलागुड़ा पढ़ुं के तो एनसीआरटी भी ये जिनसटा अच्छी तो तुम एनसीआरटी भी फॉलो करपर कि एनसीआरटी सब जिन ए कवर हो तेणु एनसीआरटी जब तुम न जाऊ भी ए मैंने कवर हो तुम तो यूनिवर्स एट प्रेजेंट इज सेड पजेसेस अबाउट 100 बिलियन गैलेक्सी तो आम गोटे गैलेक्सी जो अच्छे गैलेक्सी कौ गैलेक्सी अच्छे मिल्की वे गैलेक्सी तेणु मिल्की वे गैलेक्सी इज बिलीव टू पजेस 100 बिलियन टू 4 बिलियन स्टार तो जो गैलेक्सी भितर स्टार अच्छी आम जोटा पढ़ले तो एमती है कि सब जिन तुम देख तो बिग बैंग थ्योरी देखो ये पिक्चरटा पिक्चर तुम आउ टे डिटेल देमती आमर आम टे जस्ट पढ़ले जमर जमी टीनी बल्टा को पुणी आउ थे एक्सपांड होकर आम लास्ट मैटर क्रिएट कला आटोमिक मैटर क्रिएट कला तो ये सब जिन से देख न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये सब जिन डिटेल अच्छे क्वार्क हाइड्रोजन न्यूक्लियस हाइड्रोजन न्यूक्लियस हाइड्रोजन आटम हीलियम आटम तो ये सब जिन को लेकिन आम बिग बैंग थ्योरी है तेणु तुम जो डिटेल जीव डिटेल भी देखिपर देख ए टाइम लाइन तुम पर्टिकुलरली मन रख
तो 15 बिलियन ईयर आगे कौन होता है ना, आज गैलेक्सी क्लस्टर टुगेदर अंडर ग्राविटी फास्ट आर डाई एंड स्प्यू हेवी एलिमेंट इंटू स्पेस दोज विल इवेंचुअली टर्न इंटू न्यू स्टार एंड प्लानेट। तो ये सब बढ़िया बढ़िया पॉइंट किसी किसी अच्छी ये पिक्चरटा मुझे तुमको से ही नहीं थी। तो 1964 गोटे मानने आसी कौन ना द कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन वाज डिस्कवर्ड व्हिच वाज क्रुशियल एविडेंस इन फेवर ऑफ बिग बैंग मॉडल। तो अदर एविडेंस जो आम देखा कॉस्मोलॉजिकल रेड शिफ्ट ग्राविटेशनल वेव एटसेट्रा हाव आडेड वेट टू बिग बैंग थियोरी। तेणु बिग बैंग थियोरी इज द मोस्ट आक्सेप्टेड थियोरी। तो ताकू किए तार ताकू किए देते बिग बैंग थियोरी को तुम्हें कही तुम एवं मेनसन कर किए देते। तो एना बिग बैंग थियोरी को किए कर एटी लेखा ही नहीं तेणु दीटा जाक तुम इम्पोर्टेंट। ओके हबेल हबेल देते ना नहीं तापर बिग क्रंच बिग क्रंच आम पढ़ी ना कि देख लिखाई बिग क्रंच तेणु एट सम पॉइंट ऑफ टाइम द यूनिवर्स वुड रीच ए मैक्सिमम साइज। कौन पर यूनिवर्सटा एक्सपैंड ही चली कमी एवं कन्स्टांट हो ना तेणु केत गोटे एक्सपांड हो कलाप्स कर बिग क्रंच कहे। तो इट वुड बिकम डेन्सर एंड हटर अगेन एंडिंग विथ ए स्टेट सिमिलर टू दैट व्हिच इट स्टेटेड ए बिग क्रंच द डेथ ऑफ यूनिवर्स। तेणु जो यूनिवर्स डेथ हो हमें बिग क्रंच कहे। तो मुझे जो जिनस गुड़ा तुमको जी कह ठीक ठाक बुझीपुच कि ना तुम मत कह। ओके डॉपलर शिफ्ट और रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट। रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट डिस्क्राइब हाउ लाइट चेंजेस आज ऑब्जेक्ट इन स्पेस मूव क्लोजर और फर्दर अवे फ्रॉम अस। तेणु द कॉन्सेप्ट इज द के टू चार्टिंग द यूनिवर्स एक्सपेंशन। तो डॉपलर शिफ्ट देख ए पिक्चर देखने तुम विजुअलाइज कर पार। तो आमको केमती देखा आउ गोटे ऑब्जेक्ट जो आसूँ। ओके तो रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट एम केमी लाइट चेंजेस हो देख एटा रेड शिफ्ट एटा ब्लू शिफ्ट। तो केमी चेंजेस आसू कहे डॉपलर शिफ्ट। ओके तापर विजिबल लाइट इज ए स्पेक्ट्रम ऑफ कलर व्हिच इज ए क्लियर टू एनीवन हु हैज लुक्ड एट ए रेनबो। सेमती व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अवे फ्रॉम अस द लाइट इज शिफ्टेड टू द रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम एज इट्स वेवलेंथ गेट लॉन्गर। तापर एटी देछि देखो फास्ट आम देखा क्लोजर इफ एन ऑब्जेक्ट मूव क्लोजर दैट इज डॉपलर शिफ्टेड टू हायर फ्रिक्वेन्सी द लाइट मूव टू द ब्लू एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम एज इट वेवलेंथ गेट शॉर्टर। तेणु आमर फास्ट जो रेड रेड एंड कही ब्लू एंड को बुझे ट्राई कर सेम जिन अमेरिकन आस्ट्रोनॉमर एडविन हबल इज द फास्ट टू डिस्क्राइब द रेड शिफ्ट फेनोमेनन एंड टाई इट एन एक्सपांडिंग यूनिवर्स। तो हबल्स लॉ जो कौन कहे ना फादर अवे गैलेक्सी आर फास्टर दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ एल्सो नोन एज एक्सिलरेटिंग द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। तेणु जिते गैलेक्सी दूर से अच्छा सेत स्पीड्रे से आर्थर बाहर को मूव करपर कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यहाँ भी बहुत इंपोर्टेंट। कौन पर देख ये कौन लिखाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यहाँ बेसिकली तुम साइंस पार्ट्रे पढ़ी थो जो हाईस्कल टाइम कि प्लस टू में ना कि हाईस्कल पक्का पढ़ी। तो फास्ट जमी गामा एक्सरे यूवी रे विजिबल रे इन्फ्रारेड रे माइक्रोवेव रेडियो। तो यार देख आटोमिक न्यूक्लियाई अनुसार टिके टिके चेंजेस ही आसी एटा कौन एग्जांपलटे देछि आटोमिक न्यूक्लियाई एटा आटम्स मॉलिक्यूल प्रोटोजोआन नीडल पॉइंट बटरफ्लाई ह्यूमन बिल्डिंग। तेणु जो यूजेस होची आटोमिक न्यूक्लियाई को आम जब देखा गामा रे ही देखिपर एक्सरे को आम केमती देखा ये जो आटम को एक्सरे रे देखिपर मॉलिक्यूल को यूवी रे देखिपर प्रोटोजोआन को विजिबल रे रे देखिपर नीडल पॉइंट को इन्फ्रारेड रे रे देखिपर सेमती आमर जो ह्यूमन को माइक्रोवेव बिल्डिंग को रेडियो वेव। तो यहाँ गोटे कौन कम्युनिकेशन आम एस्टाब्लीश करपर। तो ये देख विथ ए ट्रेडिशनल ऑप्टिकल टेलीस्कोप टेलीस्कोप द स्पेस बिटवीन द स्टार एंड गैलेक्सी इज कम्प्लीटली डार्क। हाउएवर ए सेंसिटिव रेडियो टेलीस्कोप शो ए फैंट बैकग्राउंड ग्लो दिस ग्लो इज स्ट्रंगेस्ट इन द माइक्रोवेव रिजियन एट द रेडियो स्पेक्ट्रम एंड हेन्स इट इज कॉल्ड कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। तो यही पार्ट्रे से भल कम करे जो आम माइक्रोवेव आउ रेडियो। ओके रेडियो टेलीस्कोप से यूज कराए सेंसिटिव रेडियो टेलीस्कोप। तो जदि मुझी तेल तुम रेडियो वेव्र फ्रिक्वेन्सी बेसी ना गामा रेज्र फ्रिक्वेन्सी बेसी तुम्हें आंसर कौन देव ये देख ये कौन
ୱେଭ୍ଲେଙ୍କଥ ଏଇଟା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି, ତେଣୁ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ରେଡ଼ିଓ ୱେଭ୍ର ବେଶୀ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାର ଓଲଟାଟା କ'ଣ, ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିର ଓଲଟାଟା ୱେଭ୍ଲେଙ୍କଥ, ୱେଭ୍ଲେଙ୍କଥ ଆମର ରେଡ଼ିଓ ୱେଭ୍ର କ'ଣ ବେଶୀ, ଓକେ ରେଡ଼ିଓ ୱେଭ୍ର ୱେଭ୍ଲେଙ୍କଥ ବେଶୀ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଗାମା ରେର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବେଶୀ, ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ, ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ସବୁବେଳେ। ତାପରେ ଦେଖ ଆକ୍ସିଲରେଟିଂ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ୟୁନିଭର୍ସ, ତ ଏଇଥିରେ ଦେଇଛି ତାର ଡିଟେଲ ଦେଇଛି, ୟାକୁ ତୁମେ ପଢ଼ିବ। ଡାର୍କ ଏନର୍ଜି, ଡାର୍କ ଏନର୍ଜି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ଆମର ଫିଜିକାଲର, ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଫିଜିକ୍ସରେ ଆମେ ପଢ଼ନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ତ ଡାର୍କ ଏନର୍ଜି ମାନେ କ'ଣ, ଇଜ୍ ଆନ୍ ଅନ୍ନୋନ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ହାଇପୋଥେସାଇଜ୍ ଟୁ ପରମିଏଟ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପେସ୍ ଟେଣ୍ଡିଂ ଟୁ ଆକ୍ସିଲରେଟ୍ ଦ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ୟୁନିଭର୍ସ। ତ ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ଯେଉଁ ଅଛି ତାର ଫର୍ମ ଆମେ ଜଣା ନାହିଁ, ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଏବେ ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଅବଜର୍ଭ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆମେ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ସ୍ତରରେ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଡାର୍କ ମ୍ୟାଟରକୁ ଏଥିରେ ନେଇକି ତୁମେ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ଲେଖିପାରିବ। ସର୍ଟ ଆଣ୍ଟି ମ୍ୟାଟର ବି ଅଛି, ଦେଖ ଡାର୍କ ମ୍ୟାଟର କ'ଣ, ଆଣ୍ଟି ମ୍ୟାଟର କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ପଢ଼ିକି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର। ଯେମିତି ଡାର୍କ ମ୍ୟାଟର କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଏ ଭେଲୋସିଟି ଅଫ୍ ରୋଟେସନ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପାଇରାଲ୍ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସିଜ୍ ଡିପେଣ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମ୍ୟାସ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦେମ୍। ତ ଆଣ୍ଟି ମ୍ୟାଟର କ'ଣ କହୁଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ହାଇପୋଥେସାଇଜ୍ ଦାଟ୍ ଏଭ୍ରି ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପାର୍ଟିକିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ୟୁନିଭର୍ସ ହାଜ୍ ଏ ପାର୍ଟନର୍ ପାର୍ଟିକିଲ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଆଣ୍ଟି ପାର୍ଟିକିଲ୍। ତ ଏଭ୍ରି ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପାର୍ଟିକିଲ୍ର ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ପାର୍ଟନର୍ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଆଣ୍ଟି ପାର୍ଟିକିଲ୍ କହୁଛେ। ତାପରେ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ୍ ୱେଭ୍, ୟାକୁ ବି ତୁମେ ଦେଖିବ। ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ୍ ୱେଭ୍ ୟାକୁ ନେଇକି ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ପଚାରିପାରିବ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ। ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଜେନେରାଲ୍ ରିଲେଟିଭିଟି, ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ୍ ଲେନ୍ସିଂ, ତ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କରିବ ୟାକୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବା ପାଇଁ। ତ ଏମିତି ଦେଖ ୟାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଦେଖ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆର୍ ସାଇଟେଡ୍ ବାଇ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆଜ୍ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଫର୍ ଦ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଡ଼୍ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ୟୁନିଭର୍ସ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ, ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ଇନ୍ ସ୍ପେସ୍, ଅବଜରଭେସନ୍ ଅଫ୍ ରେଡ୍ ସିଫ୍ଟ ଫେନୋମେନନ୍ ଇନ୍ ସ୍ପେସ୍, ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଷ୍ଟରଏଡ୍ ଇନ୍ ସ୍ପେସ୍, ଅକରେନ୍ସ ଅଫ୍ ସୁପରନୋଭା ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ୍ ଇନ୍ ସ୍ପେସ୍। ତେଣୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରୁଛି ନା, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସାଇଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆଜ୍ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଫର୍ ଏଭିଡ଼େନ୍ସେସ୍ ଫର୍ ଦ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଡ଼୍ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ୟୁନିଭର୍ସ। ତ କ'ଣ ହେବ, ଆମର ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ଆମେ ସ୍ପେସ୍ରେ ଡିଟେକ୍ସନ୍ କରିପାରୁଛେ, ଆଉ ରେଡ୍ ସିଫ୍ଟ ଫେନୋମେନନ୍ ଅବଜର୍ଭ କରିପାରୁଛେ ସ୍ପେସ୍ରେ, ଆଉ ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ଇନ୍ ସ୍ପେସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ତାପରେ ଅକରେନ୍ସ ଅଫ୍ ସୁପରନୋଭା ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ୍ ଇନ୍ ସେଫ୍। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ କେଉଁଟା କାହାର ଏଭିଡ଼େନ୍ସଟା ଆମେ ପାଇଛେ, ତ ପଏଣ୍ଟ 1, 2, 4 ଆର୍ କରେକ୍ଟ। 1, 2, 4, ତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ଇନ୍ ସ୍ପେସ୍ କ'ଣ, ଇଏ ଭୁଲ ଅଛି, ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ଇନ୍ ସ୍ପେସ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରଙ୍ଗ। ତ ସୋ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଡି, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆବଭ୍। ତ ଏଇ ୟାପରେ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା, ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଏପଟେ ଯିବା ଷ୍ଟାର୍ ଫର୍ମେସନ୍କୁ ଯିବା, ତ ପୁଣି ଆମେ ୟାକୁ ଉପରକୁ ଯାଇକି ଦେଖ ଏ ପାର୍ଟ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ, ଓକେ। ତ ଏ ପାର୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ତୁମେ ଯଦି ଏଇଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ, କେଉଁଥିରେ, ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ, ତାହେଲେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମିରେ କ୍ଲିକ୍ ନ କଲେ ବି ଦେଖ, ଜୋଗ୍ରାଫିକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଥରେ, ଏଥିରେ ମୁଁ ଭୁଲ କଲି, ଠିକ୍ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପାର୍ଟକୁ ଆମେ ଆସିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ୟୁନିଭର୍ସ ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ, ତାପରେ ୟୁନିଭର୍ସ ସେଇଟା ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଢ଼ିଲେ ଷ୍ଟାର୍ ଫର୍ମେସନ୍ ତାପରେ ପଢ଼ିବ, ଷ୍ଟାର୍ କେମିତି ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲେ। ତ ଜୋଗ୍ରାଫି ଅପ୍ସନାଲ୍ ତ ପିଲାମାନେ ପକ୍କା ଦେଖିବ ଏଇ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବା ଏଇ ସାଇଟ୍, ନେବୁଲା, ପ୍ରୋଟୋଷ୍ଟାର, ତାପରେ ଏ ଟାଉରି ଷ୍ଟାର, ମେନ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଷ୍ଟାର, ରେଡ୍ ଡ୍ୱାର୍ଫ, ରେଡ୍ ଜ୍ୟାଣ୍ଟ, ଡିଜେନେରେଟ୍ ମ୍ୟାଟର, ରେଡ୍ ସୁପର ଜ୍ୟାଣ୍ଟ, ପ୍ଲାନେଟାରୀ ନବୁଲା, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡ୍ୱାର୍ଫ, ନୋଭା। ତ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଟାସ୍କ ଦେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଜୋଗ୍ରାଫି ଅପ୍ସନାଲ୍ ରଖିଛ ସେମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନିଜେ ତିଆରି କରିବ ଆଉ ପଚାରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ରେ, ଓକେ। ମୋତେ ନହେଲେ ତୁମେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମୋତେ ସେୟାର କରିବ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରିବି। ତ ମୋତେ ଯଦି ସେୟାର କରିବ ବେଟର୍ ହେବ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୁଁ ଦେଖିବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଓକେ। ଏମିତି ହେଇକି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ଏମିତି ସବୁ ଚାପ୍ଟର ତୁମେ ସପୋଜ ଏଥିରେ କେମିତି ଡିଭିଜନ୍ କରିବ ଦେଖ, ଏଥିରେ ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟାକ୍କୁ ଯିବା ଦେଖ, ଟୋଟାଲ ତୁମର ଜୋଗ୍ରାଫି ଅପ୍ସନାଲ ପିଲା ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମେ 5ଟା ଯଦି ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି, 5ଟା ସେକ୍ସନ୍ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଧରିବ, ତ କେଉଁ ସେକ୍ସନ୍ କିଏ ନେବ ଏବେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ, ଯେଉଁମାନେ ଆଗ ଲେଖିଦେବ ସେହି ଅନୁସାରେ ତୁମେ ନିଜେ କରିବ। ନିଜେ କରିକି ମୋତେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଆଗ ଟପିକ୍ ନମ୍ବର ଲେଖିବ, ଟପିକ୍ ଲେଖିବ, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପରେ ତୁମେ ନିଜେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରୁଛ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ୱାନ୍ ଦେଲ, ତାପରେ
तार आंसर पुणी आउ थे आउ गोटे फर्माट से देव आंसर पुणी आउ थे टाइप कर तापर आउ थे क्वेश्चन नंबर टू एमती करी सबूर क्वेश्चन करने ट्राए कर जमी जड़े जदि सपोज एथे रेगुलरली देखुची किए आमर सपोज एटा संदीप कला संदीप फास्ट कला एटा निशान कर प्रज्ञा एमती पांच जन नहीं जोग्राफी को माने जो माने ऑप्शनल रखीछ कौन पाने तुम मानक निहाती दरकार जो मैंने ऑप्शनल रखिन एमानक एत स्ट्रेस दरकार नहीं कौन पाने आम जी पढ़ुचे लेक्चर से सफिसीयंट तो सेगुड़ा आगे मन रखिकी ए पार्ट को ये पार्ट को जब आम एमसीक्यू थ्रो क्लीयर हो किसी प्रोब्लेम ना तो आउ पांच मिनिट अच्छी से पांच मिनिट भितर मुझ जस्ट तुम मानक आउ थे देखा ट्राए कर सन र इंटरनल स्ट्रक्चर आटमोस्फियर सोलार विंड एटा देखा दरकार नहीं देख प्लानेट अफ द सोलार सिस्टम एंड अदर सोलार सिस्टम ऑब्जेक्ट तो प्लानेट अफ द सोलार सिस्टम एंड अदर सोलार सिस्टम ऑब्जेक्ट या भी देखा दरकार नहीं जो स्टार फॉर्मेशन आउ सोलार सिस्टम फॉर्मेशन या मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल पिला बहुत इंपोर्टेंट न्यूक्लियर डिस्क मॉडल ताको कौन कहते न्यू लाप्लासियन मॉडल तो एमर बहुत छोट सेक्शन किंतु आमर सन केमती फॉर्मेशन है आ प्लानेट केमती फॉर्मेशन है यू जिनस अच्छी जोटा कि आम पढ़ी सारी देख नेबुला स्टार्टेड इट्स कलाप्स नेबुला आम पढ़ीचे कर फॉर्मेशन फ्रॉम 5 to 5-6 बिलियन ईयर एगो एंड द सन एंड प्लानेट वेयर फॉर्मड अबाउट 4 to 6 बिलियन ईयर एगो तापरे फॉर्मेशन ऑफ सन अबाउट 99% ऑफ द मटेरियल फेल इनटू द सेंटर एंड बिकेम द प्रोटो सन नो सनलाइट येट दीपतल अंधार जमी सन भितर से सनलाइट ना प्रोटोसन वन्स द सेंटर ऑफ द क्लाउड बिकेम हॉट एनफ इट ट्रिगर न्यूक्लियर फिजन एंड सन हाज सन वाज बर्न तो फॉर्मेशन जो सन रो स्टेप बाय स्टेप तुम मन रख फर्स्ट ला ग्रेविटेशनल कोलैप्स तापरे सुपरनोवा सेंडिंग शॉक वेव तापरे स्नोबॉल इफेक्ट तापरे प्रोटोसन तापरे न्यूक्लियर फिजन एमती है कि सन रो फॉर्मेशन है तो सन फॉर्मेशन पर प्लानेट फॉर्मेशन है प्लानेट फॉर्मेशन है आमर कौन है ना आयरन काटास्ट्रोफ एंड प्लानेटरी डिफरेंशिएशन तो आयरन काटास्ट्रोफ कौन कहते ना दिस पाइवोटल मोमेंट को पाइवोटल मोमेंट जो रेडियो एक्टिव डीके है जो टोटल जो प्रोसेस को लेकिन आम जो आयरन काटास्ट्रोफ कहे गोटे नुआ तो आयरन काटास्ट्रोफ तुम देख देखिक बुझापे ट्राए कर ह्वाट इज आयरन काटास्ट्रोफ तापर कंपोनेंट्स ऑफ सोलार सिस्टम ये आम देखी क्विपर बेल्ट आम देखिले तो ये पार्ट भी कवर होगा आउ तीन मिनिट भितर आम जस्ट देखा आउ गोटे सेक्शन आम देखी कौन हाँ आम लास्ट सेक्शन देखीद प्लानेट ऑफ द सोलार सिस्टम एंड अदर सोलार सिस्टम ऑब्जेक्ट तो ये देख ये कौन कौन अच्छी आगो प्लानेट देखिए मर्क्यूरी वेनस मून मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून व्हाई आर इनर प्लानेट रॉकी व्हाइल आउटर प्लानेट आर मोस्टली गैसियस फॉर्म तो जदि या एनालाइज करवा क्लिक करली मु तो देख व्हाई आर इनर प्लानेट रॉकी व्हाइल आउटर प्लानेट्स आर मोस्टली गैसियस फॉर्म तुमको क्वेश्चन जदि जन पचार ताले कौन लिखिबो ना टेरेस्ट्रियल प्लानेट वेयर फॉर्म इन द क्लोज विक्सिनिटी ऑफ द प्लानेट स्टार व्हेयर इट वाज टू वार्म फॉर द गैसेस ऑन द सरफेस टू कंडेंस टू सॉलिड पार्टिकल द सोलार विंड वाज द मोस्ट इंटेंस नियर द सन इट ब्लू ऑफ द लॉट ऑफ गैसेस एंड डस्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लानेट द सोलार विंड आर नॉट ऑल दैट इंटेंस टू कॉज सिमिलर रिमूवल ऑफ गैसेस फ्रॉम द जोवियन प्लानेट द टेरिटोरियल प्लानेट आर स्मॉलर एंड देयर लोअर ग्राविटी कुड नॉट होल्ड द एस्केपिंग गैसेस तो यहाँ को जस्ट तुम निजे बुझ तो बेसिकली सोलार मान सूर्य पाखे जेहेतु बेसी मानने एमती नॉर्मल जदि कॉज देखु हॉट हॉटनेस बेसी अच्छी से आमर से जो सोलार विंड हो कि आमर जो सॉलिड पार्टिकल रो इफेक्ट आमर कौन हो रॉकी प्लानेट हो किंतु जेहेतु सोलार रो बेसी इफेक्ट आसुनी अलग आउटर प्लानेट मानक कौन गैसेस फॉर्म से माने अच्छा तो एमती कि आम देखिले सेरेस आम देखी सेरे मैंने कौन इट इज द लार्जेस्ट आस्टेरॉयड एंड ए प्रोटो प्लानेट एंड ए ड्वार्फ प्लानेट सेरेस मैंने कौन सेरे इज द लार्जेस्ट आस्टेरॉयड ए प्रोटो प्लानेट मैंने प्लानेट भाया आउ इट इज ए ड्वार्फ प्लानेट इट इज ए ड्वार्फ प्लानेट जमी प्लूटो प्लूटो को आम ड्वार्फ प्लानेट कह तेनाली देख इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियंस डेफिनेशन ऑफ ए प्लानेट इज एन ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट द सन हैज सफिशिएंट मास टू अज्यूम हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज नॉट ए सैटेलाइट ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट एंड हैज रिमूव्ड डेब्रिस एंड ऑल स्मॉल ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एरिया अराउंड इट्स ऑर्बिट
ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ପ୍ଲାନେଟ୍ କହୁଛେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆମେ କହିଥିଲେ ପ୍ଲୁଟୋ ଆମର ପ୍ଲାନେଟ୍ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଡେଫିନେସନ୍କୁ ସେ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛେ। ତେଣୁ ୟାକୁ ବି ପଢ଼ିବ, ୟାକୁ ପଢ଼ିକି ତୁମେ ଲେଖିବ, ତୁମେ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବ। ଓକେ, ତ କୁଇପର ବେଲ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ମେଟେରଏଡ଼, ମେଟିଅର, ମେଟିଅରାଇଟ। ମେଟିଅରଏଡ଼ କ'ଣ, ଏ ମେଟେରଏଡ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ସଲିଡ୍ ଡେବ୍ରିଜ୍ ଅରିଜିନେଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ଆଷ୍ଟରଏଡ୍, କମେଣ୍ଟ ଅର୍ ଅଦର୍ ସେଲେଷ୍ଟିଆଲ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଥ୍ରୋ ଦ ଇଣ୍ଟର୍ ପ୍ଲାନେଟାରୀ ସ୍ପେସ୍। ମିଟିଅର ଆମେ ଦେଖିଲେ ମେଜୋସ୍ଫିୟର, ଯେଉଁ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବର୍ନ ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ ମେଟିଅର କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ପଳାଇ ଆସୁଛି ଆମକୁ ମେଟିଅରାଇଟ୍ କହୁଛେ। ତ ମେଟିଅରକୁ ପପୁଲାରଲି ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ସୁଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ ଅର୍ ଫଲିଂ ଷ୍ଟାର୍। ତ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆମେ କଭର୍ କରିଛେ, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେଉଁଟା ଅନକଭର୍ ହେଇକି ଅଛି, ତାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ, ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ଇଜିଲି ମନେ ରଖିପାରିବ। ସେମିତି ମେଟିଅରାଇଟ୍ କ୍ରେଟର୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଲୋନାର ଲେକ୍ କେଉଁଠି ଅଛି, ବୁଲଦୁଆନା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତାପରେ ଧଲା କ୍ରେଟର ଶିବପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଆଣ୍ଡ ରାମଗଡ଼ କ୍ରେଟର। ରାମଗଡ଼ କ୍ରେଟର କେଉଁଠି ଅଛି ନା, ପଟେନ୍ସିଆଲ୍ ମେଟରାଇଟ୍ କ୍ରେଟର ଇନ୍ କଟା ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ ଇନ୍ ରାଜସ୍ଥାନ। ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଏମିତି ପ୍ରିଲିମ୍ରେ ବି ଆସିବ ଯେ ଆମର ମେଟିଅରାଇଟ୍ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା କେଉଁଠି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଛି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି, ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ତେଣୁ ୟାକୁ ମନେ ରଖିବ, ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ। ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଚିକ୍ସ କ୍ଲବ୍ କ୍ରେଟର, ଏଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି, କଜ୍ଡ ବାଇ ମେଟିଅର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବିଲିଭ୍ ଟୁ ହାଭ୍ ୱାଇପ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡାଇନୋସର। ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରେଟର ପଡ଼ିଲା, କ୍ରେଟର ପଡ଼ିଲା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଡାଇନୋସର ୱାଇପ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲେ ବୋଲି କହିଲେ। ତେଣୁ ମାସ୍ ଏକ୍ସଟିଙ୍କସନ୍ ଏଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ କ୍ରେଟାସିୟସ୍ 65 ମିଲିୟନ୍ ଇୟର୍ ଏଗୋ। ତ କ୍ରେଟାସିୟସ୍ କ୍ରେଟର, ତାହେଲେ କ୍ରେଟର ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରେଟର। ଓକେ, ତାହେଲେ କ୍ରେଟର ତ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ କ୍ରେଟର କ'ଣ, ତ ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦ ସାର୍କୁଲାର ଡିପ୍ରେସନ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଅନ୍ ଦ ଆର୍ଥ ସର୍ଫେସ୍। ସାର୍କୁଲାର ଡିପ୍ରେସନ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଅନ୍ ଦ ଆର୍ଥ ସର୍ଫେସ୍ ଆଫ୍ଟର ଦ ମେଟିଓରାଇଟ୍ସ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ମେଟିଓରାଇଟ୍ କ୍ରେଟର। ତେଣୁ ସାର୍କୁଲାର ଡିପ୍ରେସନ୍ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଏଇଟା ଦେଖ ଏଥିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସର୍କୁଲାର ଡିପ୍ରେସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, କ୍ରେଟର କହୁଛେ। ଓକେ, ତ ଏମିତି ହେଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ। ତ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ପାର୍ଟ ତୁମେ କେମିତି କଭର୍ କରିବ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଦେଖାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛୁ, ମାନେ ଯେଉଁ UPSC ଅକ୍ଟୋବର ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ତୁମେ କଭର୍ କରିବ। ତ ତୁମେ ଭିଜନ୍ ଆଇସ୍ରେ ମେ ବି ପାଇନପାର, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ପାଇବ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଦେଖାଉଛି ତୁମକୁ। ତ କେଉଁଠି ଯିବ, ଫାଷ୍ଟ ଯିବ ତୁମେ IAS ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ, IAS ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ। ତ IAS ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଯଦି ମୁଁ ଯିବି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏଠି ମୁଁ ଗଲି ଡାଉନଲୋଡ଼କୁ ଯିବି, ଡାଉନଲୋଡ଼। ଡାଉନଲୋଡ଼ ଗଲା ପରେ ଟାର୍ଗେଟ 2020 ଏଥିରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିବି। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା, ଆମର ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଜିଓଗ୍ରାଫି, ତ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ଆଗ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବି, ତାପରେ ପାର୍ଟ ଟୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବି। ତ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କଲି, ପାର୍ଟ ୱାନ୍ରେ ଦେଖ ମୁଁ ଜିଓଗ୍ରାଫି ସେକ୍ସନ୍କୁ ଯିବି। ଆମେ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଟୋଟାଲ୍ ଅଛି ଏଥିରେ, ତ ମୁଁ ଜିଓଗ୍ରାଫି ସେକ୍ସନ୍କୁ ଯାଉଛି। ତ ଜିଓଗ୍ରାଫି ସେକ୍ସନ୍ରେ ଗଲେ ଦେଖ ଜେନେରାଲ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଅଛି, ତ ଜେନେରାଲ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ଆମେ ଆମର କାମ ରହୁଛି। ତ ଯେମିତି ଆମର ଯେମିତି ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ା ତ ଆମେ ଆସିନି, ଆମର ଆସିବ ଏଗୁଡ଼ା, ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ଏବେରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିବ, ଦେଖିଥିବ ଯେ ଆଟ୍ଲାଣ୍ଟିକ୍ ମେରି ଡାୟୋନାଲ୍ ଆଓଭରଟେନିଂ କରେଣ୍ଟ କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଅଛି ଏଇ ବର୍ଷ। ତେଣୁ ୟାକୁ ତ ତୁମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସଡନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟରିକ୍ ୱାର୍ନିଂ, ଏସବୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି, ଏବେ ନ ଦେଖିଲେ ବି ଚଳିବ ହେଲା। ତ ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଏବେ ବି ଦେଖିବ, ତୁମ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ରହୁଛି ଯଦି ପାର୍ଟ ଦେଖିପାରିବ। ସେମିତି ପାର୍ଟ ଟୁକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଏଥିରେ ବି ଦେଖ ଆମର ଜିଓଗ୍ରାଫି ପାର୍ଟ ଅଲଗା ଥିବ। ତ ଏଠି ଦେଖ ଜେନେରାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫି, ତ ଦେଖ ଏଠି ଆରାମରେ, ଏଠି ଯଦି ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଫାଷ୍ଟ କ୍ରେଟର ଦେଖ ୟୁରା ଭୁବା କ୍ରେଟର। ତେଣୁ ତୁମେ ତ ଯଦି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଯଦି ପଢ଼ିବନି ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହେବ, ୟୁରା ଭୁବା କ୍ରେଟର। ତ ୟୁରା ଭୁବା କ୍ରେଟର କ'ଣ, ୟାକୁ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆଷ୍ଟରଏଡ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଣ୍ଡ ଏରୋଡେଡ୍ ରେମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଫର୍ମର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ୍ରେଟର ଷ୍ଟଡିଡ୍ ଇନ୍ ଦ ମିଡ୍ ୱେଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ମିଡ୍ ୱେଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଏଇଟା ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା କେବେ ନା 2.229 ବିଲିୟନ୍ ଇୟର୍ ଏଜ୍ ଆଗରୁ ଆମର ଆସିଛି, ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ନନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅନ୍ ଦ ଆର୍ଥ। ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ରିସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆସ୍ ୱାରାବଡ଼ା ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ୍ରେଟର ଇଜ୍ ଦ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ଆର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ମେ ବି ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ଫର୍ ଏଣ୍ଡିଂ ଆନ୍ ଆଇସ୍ ଏଜ୍। ସେଇଟା ଯେମିତି ଆମର ଡାଇନୋସର ମାନଙ୍କର କ୍ରେଟର, ଯେଉଁ କ୍ରେଟରଟାକୁ ସେଇ କ୍ରେଟର ଆମର କ'ଣ କଲା, ଡାଇନୋସର ମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଦେଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଏଠି ଏରାବୁଡ଼ା କ୍ରେଟର ଆମର ଆଇସ୍ ଏଜ୍କୁ ଏଣ୍ଡିଂ କରିଦେଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି।
तो अदर ओल्डर एस्टेरॉयड क्रेटर आर वेडर्फ डॉम इन साउथ अफ्रीका एंड कनाडास सदुरी बेसिन। दीज आर द ओनली अदर प्रिसाइजली डेटेड प्री कैम्ब्रियन इम्पैक्ट स्ट्रक्चर दैट आर करेंटली नॉन। तो ओरिजिनली स्ट्रेचिंग रफली 70 किलोमीटर वाइड, याराबुबा रेजिस्टेड रिलायबल एस्टिमेट ऑफ इट्स एज बिकॉज ऑफ एरोजन एंड प्लेट टेक्टोनिक। इट इज नाउ एन एलिप्टिकल स्ट्रक्चर विथ ए डायमीटर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 20 किलोमीटर। देखो यहाँ याराबुबा क्रेटर ये पिक्चर देखी पार्थ। तो नासा साइंटिस्ट साउट टू असाइन द क्रेटर एज एन एग्जैक्ट एज बाय स्टडिंग कंसेंट्रेशन ऑफ यूरेनियम थोरियम एंड लीड इन रॉक कलेक्टेड फ्रॉम द क्रेटर। द टीम सबमर्ज द रॉक इन वाटर एक्सपोज देम टू इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्च द ग्रेन फॉर जिरकॉन एंड मोनाजाइट। द न्यूली डिटरमाइंड एज कॉइंसाइड विथ ए डायनामिक टाइम इन द इवोल्यूशन अर्थ फॉलोइंग द ट्रांजिशन फॉर्म फ्रॉम द आर्कियन टू पेटेरोजोइक इयन। तो आर्कियन टू पेट्रोजोइक इयन को जब देखा ए देख आर्कियन को पेट्रोजोइक इयन, तो फास्ट आम देखुचे यहाँ इयन। तो इयन में जब देखा कौन आर्कियन आ पेट्रोजोइक, तो देखो ये अच्छी कौन आर्कियन आ पेट्रोजोइक। तुम जब करेंट अफेयर पढ़ो तो या तुम हजम कर पार ना हजम कर ना। तो ये देख आर्कियन आ पेट्रोजोइक इयन टाइम यही टाइम से जिनसा होता से कौच। ओके तो पुणी आम देखा हाँ यहाँ आर्कियन एंड पेट्रोजोइक आयन, तेणु यहाँ सेकेंड आउ थर्ड पूरा लास्ट मानते सब ओल्डेस्ट इयन कौटा हेडेन इयन जोटा कि फॉर्मेशन ऑफ अर्थ होता। तो एति आम आज पढ़ा। तो इंडिया रो अंटार्कटिका एक्सपेडिशन एटा तो आम पढ़ा नहीं आज मानते जो दिन जोटा हाँ जियोलॉजिकल टाइम स्केल जोटा मुझे कहती तुम मानक। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज ए सिस्टम ऑफ क्रोनोलॉजिकल डेटिंग दैट रिलेट टू जियोलॉजिकल स्ट्राटा टू टाइम। तो या कि देख एज इपो पीरियड इरो इरा इयन, तो जो मिलियन हो मिलियन इयर ऑफ एज एज हो मोर दैन वन एज ताले इपो हो मोर दैन वन इपो पीरियड हो मोर दैन वन पीरियड इरा होपर कंटेन मोर दैन वन इरा एंड द लॉन्गेस्ट डिविजन। ओके तो करेंट इयन जो मुझे फानेरोजोइक 542 मिलियन इयर, तापर प्रीवियस इयन पेट्रोजोइक लास्टेड अबाउट 2 बिलियन इयर एंड इयन डज नॉट करेस्पोंड टू ए पर्टिकुलर ड्यूरेशन। तो एति ड्यूरेशन बोली आम कहीपर ना। तापर आम पढ़ा हाइड्रोथर्माल भेंट एटा नेक्स्ट इयर इंडियन डायफल मेडियन जोलियन ऑसिलेशन मिडनाइट जोन सिराष्ट्रम आमर यूएसए होता बोध यहाँ यूरोप यूरोप नॉर्दर्न यूरोप होता सिराष्ट्रम। तो टिके टिके तुम जिते जापर बहुत सारा जिनस तुमको इंटरेस्टिंग लगे, तुम जिते तुम तुम भितर जानवर इच्छा रत तुम आगक पढ़ी पार। ओके तो आज एति रखा क्लास केमती लगे तुम फिडबैक् देव। तो देख मु फ्रांकली कौच जोग्राफी मोर पढ़े मैंने सेमती मोर स्पेशलिटी ना, बट तुम मानक जस्ट हेल्प करने पढ़ाऊँ हेल्प करा मैंने जोग्राफी तुम्हें निजे पढ़ले बहुत प्रॉब्लम हे जमी यही जिनस मुझे तुमको देखेली तुम्हें आईएस पार्लियामेंट को सर्च कर जीव तुमको कहीं कहे नहीं तेणु तुमको यही टाइप रप्रोच रखिकी पढ़ापी पड़ो। ओके तो आजपाई एति की ऑलरेडी वन सब आम सबुदिन घंटे आम डिस्कसन करवा क्लास जदि आम घंटे भितर कम्प्लीट कर ट्राए करी सब घंटे भितर कम्प्लीट करवाई तेणु सब रेगुलर हाँपी ट्राए कर य घंटे जमी कहली 10:30 रु 11:30 सब बेसी इम्पोर्टाट आमर गोटे दिन रमती 7 to 8 इज भेरी इम्पोर्टाट एल्सो। तेणु यही जो दीटा दि घंटा जदि तुम ठीक मानने ठीक हिसाब से मानने या फॉलो करके तुम जब चलो तेल तुम यही गोटे एग्जाम ही तुम क्राक कर पार एग्जाम। ओके तो बाय बाय टेक केयर।